ना बाइफर्केट करना बंद करो। पहली बात तो मेरे को ये समझ नहीं आता, हर इंसान अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जस्ट बिकॉज हमारे पास माइक आता है और हम बोल पाते हैं यहाँ पे 10 लोग, इसका मतलब ये नहीं है कि यही हम सब कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर बंदा ना अलग तरीके से कनेक्ट करता है, ठीक है? सबके इमोशंस अलग हैं, सबका तरीका अलग है। देखो ट्विटर पे आने से पहले हमें कोई नहीं पता था कि ये कोई स्पेस इस तरह की बनती है, ऐसा कोई ग्रुप है, ठीक है? सबने अभिषेक से और मनीषा से कनेक्ट किया, उसको एक नाम मिला, ठीक है? उसके साथ साथ में धीरे धीरे सब जुड़ते रहे, ठीक है? जब कोई कुछ सही बोलता है उसको जजमेंट पास करने की जरूरत क्यों है? जस्ट बिकॉज तुम्हें जजमेंट पास करना है और ट्विटर पर बैठे हो, तुम्हें एक लाइनर डालना है किसी के बारे में, तो तुम डालते रहोगे यार? अभी उसी की तुम लोग खुशियां मना रहे हो कि ठीक है ना, कि आने वाला है संडे को, आने वाला है संडे को, आने वाला है। वो न्यूज किसकी वजह से मिली, डायरेक्टली किसकी वजह से मिली? उसको हेट देने से पहले यार तुम सोचते नहीं हो, चाहे वो एनी बडी, चाहे वो कोई नहीं बहुत नीतू बड़ी जी, पोस्ट मैंने हो। ट्वीट पढ़े, उसको हेट हमारे हमारे एफडी वाले उसको बस बोल रहे थे टैग नहीं करना चाहिए, हेट कहीं और से मिल रही है। वो उस ठीक बात को है, ना समझ छोड़ गए। दो, देखिए बट क्या है, समझ गए। देखो बस टैग करना भी ना, जहां तक बात है ना, तो एक्स वाई जेड चीजों पे बहुत सारे लोग बुरी बुरी चीजों पे टैग करते हैं उसको, ठीक है ना? ये बात सबको समझनी चाहिए कि हम जितना रोकते हैं ना, उससे कई ज्यादा लोग उससे टैग करते हैं नेगेटिव चीजों में। हम तो एक बार ना अपने यहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत बोल भी देते हैं कि बेटा ऐसे मत रिएक्ट करो, वैसे मत रिएक्ट करो, ठीक है? हम यहाँ के लोगों को फिर भी कंट्रोल करते हैं। जिन लोगों को तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, उनको तो नहीं बोल पा रहे हो ना टैग मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ठीक है? नेगेटिविटी से फर्क पड़ रहा है ना, नेगेटिव देने वालों से फर्क पड़ रहा है, उन्हें तुम रोक नहीं पा रहे हो, ठीक है? उनको तुम रोक भी नहीं उनको सकते। तुम रोक भी। मैं ये नहीं बोल रही कि उनको टैग मत करो या ये मत करो, पर मुझे ये बोलना है कि जैसे वो ट्वीट था ना, तो वो ट्वीट बहुत अच्छा था, इमोशनल था, जिसको एक्सप्रेस करना ज़रूरी था जो भी वो फैन थी उनके लिए। पर सुनो ये सुनो, मैं क्या बोला, सिचुएशन को ना समझ के, एक मिनट, हाँ बोलना रोहित, सिचुएशन को बोलना ना, ना ये भी एक ना, मिनट ये रुकना भी, मैडम, ये भी एक मिनट रुकना। सिचुएशन को ना थोड़ा समझ के हमें ट्वीट्स में टैग करना चाहिए। देखो वो ट्वीट में टैग करने से उसने नहीं देखा है, उसको कहीं से वो ट्वीट देखा, कोई उसको दिया होगा, कोई उसका फ्रेंड होगा या कोई होगा, उसने वो ट्वीट दिया होगा, क्योंकि रॉयल, वो यू कैन नॉट से यू कैन बाय नॉट लाइक से 100% कि उसने वो ट्वीट अपने आप नहीं देखा, किसी ने भेजा होगा, किसी और ने कहा होगा। यार आपको कैसे मालूम? आप उसके साथ रह रहे हो? नहीं रह रहे नहीं, मैं ना, नहीं रह नहीं रह रही। रहे ना। हाँ, तो लेकिन इसीलिए वो मैं कह देखो रही हूँ ना सुनो, कि पहले अगर रॉयल, उसने, सुनो पहली बात, ये बात सुनो, वो भी पहली बात बात अभी थोड़ी देर पहले भी हो रही थी, उन्होंने भी यही कंसर्न दिखाया था कि आप उनको हर चीज पे टैग कर रहे हो, ठीक है? हर चीज पे टैग कर रहे हो, तो हर बुरी चीज पे भी वो टैग हो रहे हैं जिसको तुम नहीं रोक पा रहे। जब उसे तुम नहीं रोक पा रहे, तो किसी अच्छी चीज में एक बच्चे ने टैग कर दिया तो क्या प्रॉब्लम हो गई भाई? सब लोग उसको ये क्यों बोलने लगे हो कि यार ये टैग क्यों कर दिया तुमने, ये क्यों हर समय टैग करते रहते हो, ऐसे क्यों टैग करते रहते हो? यार वो उनका तरीका है शो करने का, ये हैंडल करने का, जो डील करने का तरीका है ना, वो अभिषेक और मनीषा का है। दे विल हैंडल। ये बात क्यों नहीं समझ में आती सबको? या मैं दे समझ नोटिस रही हूँ ये एवरीथिंग, बात, नोटिस एवरी, मैं ये नोटिस नहीं मना कर एवरीथिंग, रही दे नोटिस कि एवरीथिंग, दे नोटिस एवरीथिंग। आई नो दे नोटिस एवरीथिंग, मैं ये नहीं मना कर रही कि टैग मत करो, बट टैग करो तो मतलब ये नहीं कि सारे ट्वीट्स एक ही तरह के टैग करने लगो। उसने कई सारे ट्वीट्स ऐसे देखे होंगे जिसमें हम उदास हैं या फिर हम लोगों को कंटेंट चाहिए, ये बात समझ लो। अभिषेक मनीषा कंटेंट नहीं है कि तुम लोग कंटेंट कंटेंट बार बार, मैंने कई ट्वीट्स देखे हैं 3 4 दिन से, कंटेंट 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 हो रहा है, वो लोग कंटेंट नहीं है। मनीषा की तबीयत खराब है, उसका पैप्स वाला इंटरव्यू देखो, बीमार लग रही है वो। अभिषेक के अच्छा घर सुनना में रॉयल, इतने एक मिनट, प्रॉब्लम्स एक हैं, मिनट बात तो सुनना, इस बात पे सुनना। ये तुम हमें रोक पा रही हो, ठीक है? जो बच्चे अच्छे से सुन रहे हैं ना, उन लोग को तुम रोक पा रही हो, उन लोग को तुम ज्ञान दे पा रहे हो, ठीक है? ये ज्ञान जरा अपोजिट साइड में देखे आना। जिस अरे दिन वो वहां मेरी अपोजिट साइड वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी मान नहीं जाएंगे है ना, यार, मान उस जाएंगे ना, दिन बात बात करना करना इस उस बारे दिन में, बात क्योंकि करना। यहाँ पे नीतू जी, बच्चे वो हमारी मोस्टली अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी करते नहीं हैं, है, एंड करते हैं। यहाँ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की तुम्हारी नहीं है रॉयल, ठीक है? मेरी सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंडिविजुअल, नहीं है, बट एक POV देना है कि जैसे हमारा जो फैंडम है ना,
उसमें जितने भी लोग हैं सब POVs देते हैं ना कि मेरा ये नहीं, only 10 people here who are on the speaker give their opinion or point of view, ठीक है, not everyone. यहाँ पे 500 लोग बैठे हैं, 500 लोग बात नहीं कर रहे, पहली बात, ठीक है. सबका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबको प्यार करने का तरीका अलग होता है, सबके एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है. जस्ट बिकॉज वी आर ऑन स्पीकर्स, ठीक है, हम सबको ये ज्ञान देने बैठ जाते हैं तुम्हें ऐसे रिएक्ट करना चाहिए, तुम्हें वैसे रिएक्ट करना चाहिए. क्यों भाई, तुम्हारा अगर रोना निकल रहा होगा तो तुम बोलोगे यार स्टॉप इट, रोना मत, आंसू नहीं निकलने चाहिए तुम्हारे, तुम्हारे आंसू क्यों निकल रहे हैं यार, नो वन कैन स्टॉप इट. तुम्हारी स्माइल निकल रही है यार, तुम स्माइल कैसे कर सकते हो, स्माइल क्यों कर दिया तुमने, तुम्हें यहाँ पे तो हंसना ही नहीं चाहिए था. जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है सामने उस पॉइंट पे उस बंदे को हंसना नहीं चाहिए, यार इट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू. आप जब शेयर करते हो ना पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये समझ के पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो कि सामने वाला बंदा भी एक इंसान है, उसका एक अपना तरीका है एक्सप्रेस करने का. ये जो ट्वीट है आई ऑल्सो लाइक इट, ठीक है. जो समझदार बच्चे होते हैं वो अपने आप समझ जाएंगे, कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, अगर उन्होंने कुछ कह दिया कर दिया उसके लिए सब लोगों को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे सिर्फ 500 लोग बैठे हैं, ट्विटर पे 1,000-2,000 लोग होंगे जो अभिषा को पसंद करते हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे हैं, वो लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं. सिर्फ हमारी चीजें उनके पास नहीं पहुंचती, उनके पास इंस्टाग्राम की चीजें भी पहुंचती हैं, उनके पास यूट्यूब की चीजें भी पहुंचती हैं, उनके पास दुनिया जहान की चीजें पहुंचती हैं, और मीडिया में जो नेगेटिव आता है उसके बारे में भी चीजें पहुंचती हैं उनको, ठीक है. तो अपने ही लोग जो सुनते हैं ना, जो बच्चे सुन रहे होते हैं, जो मैक्सिमम टाइम आपकी सारी बात मानते हैं, ठीक है, उनको आप थोड़ा भी बोलोगे तो भी मान जाएंगे, ज्यादा भी बोलोगे तो भी मान जाएंगे. लेकिन जिनको नहीं करना चाहिए बात, वो सारे लोग बात करेंगे ही करेंगे, 110% बात करेंगे, नो वन कैन स्टॉप देम. इतना ही वो वीडियो वायरल हो रहा है, उनको स्टॉप कर सकते हो क्या? ये सिर्फ और सिर्फ ये एक ट्वीट गया, उसने देख लिया, उसने रिएक्ट कर दिया, ठीक है. अब वो वाली चीज उसके पास जाएगी, वो रिएक्ट नहीं करेगा अगर ये वाली वीडियो पे, तो क्या समझ में आ रहा है, उसको नहीं मिला ये वीडियो, उसको मिला, उसने रिएक्ट नहीं किया, ठीक है. ही नोज हाउ टू हैंडल इट. हाँ जी सनी भैया बोलिए. मैं कहता हूँ आई एम नॉट डिफेंडिंग एनी हेट, और यहाँ पे जितने भी लोग आके बैठते हैं स्पीकर पे ना, अगर कोई इमोशनल होता है ना, तो यहाँ पे जितने भी स्पीकर पे बैठे होते हैं वो हंसाने की ही कोशिश करते हैं. जो भी मनीषा तक भी वीडियो पहुंची है ना, वो भी इसीलिए वही पहुंची है जिसके अंदर एक पर्सन रो रहा था इमोशनली अटैच होकर, और मैं और जितने भी यहाँ पे थी, गीता जी थी और जितने भी थे यहाँ पे माइक पे बैठे, वो सारे यही बता रहे थे कि आप रो मत, आप हंसो. यहाँ पे सारे लोग मोटिवेट ही करने के लिए बैठे होते हैं, और मैं सिर्फ एक फैंडम में नहीं बैठता, मैं हर डिफरेंट फैंडम में बैठता हूँ, सबको यही मत देता हूँ, यही लेसन देता हूँ कि सारे सिर्फ प्यार ही बांटो. जो मुझे सुनता है, जो मेरी रिस्पेक्ट करता है, वो मेरी बात मान लेगा. जो मेरी बात नहीं मानेगा उसको लाख दफा भी बताओगे ना, उसने नहीं माननी. यही तो कब का मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. क्योंकि वो बच्चा यहाँ पे स्पेस में नहीं बोल पाया, उसने कोई ट्वीट कर दिया, ठीक है, उस ट्वीट में किसी को टैग कर दिया, ठीक है. सब यहाँ पे जो फैंडम वाले हैं ना, वो कुछ गलत नहीं बोल रहे उसको, उसको बोल रहे हैं बस इतना कि तुमने टैग क्यों कर दिया. अरे यार उसकी चॉइस है, क्यों टैग नहीं कर सकती वो या कर सकता वो. हाँ जी, वो टैग करते हैं, उसकी लक है, उसको उसका किसी ने देख लिया. हाँ, उसकी आईडी ने देख लिया, उसके लिए तो बड़ी बात है. कितनी सारी अच्छी चीजों पर टैग करते हैं, रिप्लाई नहीं आता है. हाँ जी मीन्स बोलो. हाय सबको, आज मैं काफ़ी देर के लिए नहीं थी ट्विटर पे, और फिर जब आई तो आई सॉ व्हाट हैपेंड. पहले तो ऑनेस्टली जब उस लड़की का मैंने ट्वीट देखा, सबसे पहले मेरे माइंड में आया हाउ लकी शी इज़ दैट शी गॉट अ रिप्लाई. और उसका ट्वीट बहुत ही स्वीट था, उसके ट्वीट में कोई हार्श वर्ड्स नहीं थे. शी वॉज जस्ट टेलिंग हर हार्ट कि यार कोई बंदा एज अ फैन, अब यहाँ पर मेरी बात अगर किसी को ऑफेंसिव लगे आई एम ऑलरेडी सॉरी, बट अगर कोई भी फैन, मैं हूँ या कोई और है, आई एम अ गुड एज पर्सन, सो आई नो कि कैसे अपने इमोशंस को हैंडल करना है, ठीक है. जो अपने 18s में 19s में होते हैं उनके लिए थोड़ा टफ होता है इन चीज़ों को हैंडल करना. इफ दे आर लाइक स्टेइंग ऑल नाइट एंड गेटिंग टू नो व्हाट एक्चुअली लव इज, वो एक इमोशन देख रहे हैं, वो एक रिलेशन देख रहे हैं जिससे लाइक दे आर कनेक्ट, गेटिंग कनेक्टेड सो डीपली,
क्योंकि हो सकता है अपनी लाइफ में अभी वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी और आप ऑन स्क्रीन किसी को देख के समझ रहे हो कि एक्चुअली ऐसा भी होता है, तो आप एक अलग लेवल पे कनेक्ट हो जाते हो और वो कनेक्शन आपको मतलब इट्स लाइक योर लव स्टोरी. तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार अब ये हमें बाहर आके भी कंटेंट देंगे जो वो दे भी रहे थे. ठीक है, वो दोनों ऐसे हैं, अगर इतनी नेगेटिविटी नहीं होती तो आई थिंक हमें आज भी कंटेंट मिल रहा होता. वो सिर्फ रुके हैं और मुझे लगता है अभी ये बैंग ऑन आएगा. मुझे जो लग रहा है कि अभी जब ये जो अब आएगी ना वीडियो, अगर मैं समझ पा रही हूँ शायद अगर वो इस तरीके से वो सबको जवाब देगा जो जो बोल रहा है अभिषेक, सबको जवाब देगा तभी वो वीडियो डिले हुई है जो मुझे लग रहा है. तभी उसने बार बार बॉम्ब वीडियो तो मुझे ऐसा लग रहा है वो सबको जवाब देगा क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया अब जो यूट्यूब कम्युनिटी का हो गया है ना, वो बहुत ज्यादा हो गया है अब, एक्सट्रीम जा रहा है. तो मुझे ऐसा लगा कि जब उस गर्ल ने अपना ट्वीट डिलीट किया ना, आई फेल्ट सो बैड. I was like, she was so lucky getting a reply from Abhishek and she deleted her tweet, her account, I think also, if I'm not wrong. तो मुझे ऐसे लग रहा था कि उसको इतना अटैक कर दिया, तो हम में और बाकी फैंडम्स में फ़र्क क्या रह गया यार, कि मतलब हम सब में ही अगर उसको ये बोलने लग गए कि टैग कर दिया. गाइज मैंने आज उसको पहली बार अभिषेक को किसी चीज़ पे टैग किया है और मैंने टैग किया बिकॉज आई फेल्ट लाइक डूइंग इट. If she's a fan, she has right to tag him. If she feels like tagging him, हम किसी को control नहीं कर सकते, हम समझा सकते हैं, हम as speaker यहाँ बैठ के आप जितने भी आपको बता सकते हैं ये सही है गलत, but we can't control anyone. और वो new थी सबसे पहले, अगर उसने कर भी दिया और इतना sweet tweet था तो कुछ गलत नहीं था. और उसके बाद अगर सबने बोला ठीक है, बट वो ऐसे भेड़चाल शुरू हो जाती है, एक ने बोला, दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला, अरे एक ने बोल दिया चुप हो जाओ यार. दैट इज द प्रॉब्लम. आप अपने फैंडम के लोगों को तो आई डोंट थिंक कि उसने ट्वीट डिलीट की है. आई डोंट थिंक सो. नहीं, ट्वीट डिलीटेड है, मैंने पोस्ट किया. नो, एक्चुअली कभी कभार ऐसा होता है जब छोटा अकाउंट ट्वीट करता है तो उसके ऊपर मास रिपोर्ट इतना पड़ता है क्योंकि वो हमारे जितने भी कमेंट्स हैं ना उनको रीपोस्ट करते जाएंगे. अकाउंट डिलीटेड है शनी, मैंने देखा है अपने फैंडम में बोलूंगी. एक तो ना भेड़चाल मत लाया करो, अगर मेरी बात समझो. भेड़चाल का मतलब यह है कि किसी भी पॉइंट पे किसी एक्स वाई जेड फैंडम का या किसी एल फैंडम का अगर कोई ट्वीट आया उस पर कोई एक जना रिप्लाई कर रहा है तो जरूरी नहीं है 10 ने जाके उसके बारे में बोलना है. फिर टाइमलाइन पे सिर्फ वही दिखता है. एक ने बोल दिया, वहां से हट जाओ, उसको छोड़ दो, उसको एंगेजमेंट मत दिया करो. सेम चीज वहां थी, अगर उसने कर दिया, एक बंदे ने बोल दिया, उस तक मैसेज पहुंच गया, उसको छोड़ दो. मतलब इग्नोरेंस सीखो सब. हमारा फैंडम इतना बड़ा है, हम अगर टाइमलाइन पे अपनी चीजें डालनी शुरू कर देना कोई आसपास दिखेगा भी नहीं. मुझे तो वैसे ही नहीं दिखता, मैंने सबको ब्लॉक मारा हुआ है, मेरी तो ब्लॉक लिस्ट पता नहीं कितनी बड़ी है. तो सबसे पहले इग्नोर करना सीखो. देख लिया अगर कि आपके फैंडम में से किसी ने बोल दिया तो चुप हो जाओ, वहां से निकल लो, क्योंकि हम उन्हें एंगेजमेंट देते हैं जो वहां पर एक सेकंड. अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से म्यूट हो गया मैं. बोलो बोलो. हाँ रॉकी बोल लो, आपने पहले बोलना है तो. अरे नहीं नहीं, गलती से वो म्यूट हो गया था, आप बोल लो. हेलो बोलो बोलो. हेलो, हाँ जी बोलो. हेलो हेलो, वॉइस आ रहा आपका. तो मैं एक चीज बता दूं, वो क्या है, एक चीज मैं बता रहा हूँ, वो जो टैग वाला चक्कर है ना, एक कोई नई लड़का है या लड़की, हम लोगों को तो पता नहीं, कोई था नया आया, अपना जो फीलिंग था ना वो अभिषेक को टैग करके लिख दिया. उसके 2 फॉलोअर थे और उस मतलब वो अभिषेक ने पढ़ा और उस पर रिप्लाई कर दिया, वेट डिटेल संडे 1 PM. बस उसी पे कुछ लोग चढ़ रहे थे कि ये क्यों हुआ. तो मैं बता रहा हूँ, अकाउंट डिलीट नहीं हुआ है, उस मतलब अकाउंट पे ना मास रिपोर्ट पड़ रहा है, इसलिए वो मतलब किसी को शो कर रहा है, किसी को नहीं शो कर रहा है. मेरे को शो कर रहा है, मैंने अभी देखा, बट वो ट्वीट नहीं शो कर रहा है जो उसने ट्वीट किया था अभिषेक को टैग करके. तो वही है जिसको नफरत देनी है वो तो देगा ही. ठीक है, मैं यहाँ पे समझदार बच्चों की भी बात कर रही हूँ. मैंने किसी एक, ऐसा नहीं है कि किसी उन बच्चों के ट्वीट देख रखे हैं जिनको मैं जानती नहीं हूँ. मैंने उनके ट्वीट देख रखे हैं जिनसे मेरी बात होती है, जिनसे मेरी बात सुनी हुई है, जिनका मैं माइंडसेट एक बारी को जानती हूँ.
मैं उनके ट्वीट देख के बोल रही हूँ ये, ठीक है। मुझे ये बात इसलिए गलत लग रही है कि यार कोई बच्चा या कोई भी इंसान अपने चीजें एक्सप्रेस करता है, ठीक है। हम 10 लोग होते हैं यहाँ पे, रोटेट करके चलो 20 लोग आ जाते होंगे, ठीक है, रोटेशन में बात करते हैं, या 20 से 25 लोग रोटेशन में बात करते होंगे, इससे ज्यादा लोग तो बात नहीं करते ना। हम 500-600 लोग हैं, ठीक है। तो वो वाली, लेकिन एक सेकंड, मैं ये समझना चाहती हूँ तो उसे मास रिपोर्ट क्यों पड़ रहा है, क्योंकि उसने सिर्फ टैग कर दिया, इसलिए। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, ये भी एक ना पीओवी है, मेरा पीओवी है। देखो, हाँ ये ना, मुझे आपका पॉइंट समझ आ गया, आप क्या कहना चाह रही हैं। हाँ ये बात सही है कि भेड़, सब लोग भेड़चाल में एक को अटैक मत किया करो, खासकर जब वो अपनी एफटी का हो। भेड़चाल में अटैक किया जाता है हेटर्स को, जो हेट करते हैं उनको नहीं, जो अपनी एफटी का हो उसको एक तो करो, एक अच्छा मिले उस पर एंगेजमेंट दे दो, उसको लाइक रिट्वीट कर दो, ये होता है, ऐसे रिएक्ट किया जाता है जो हेटर्स नहीं होते। पहले तुम लोग ना रिएक्ट करना सीखो। शानी भाई माइक ऑफ कर लो ना, हाँ। तो ऐसे ही उस दिन मनीषा वाला हुआ था, तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देने की जगह सब उसके कमेंट में जाके एकदम बजने। क्या मालूम क्या हुआ मेरे जाने के बाद। नहीं, जब आपका मेंशन हुआ ना कि अभिषेक नहीं है, बिल्कुल बोरिंग हो गया है, तो मतलब मेरी इतनी अहमियत है, मेरी इतनी अहमियत है स्पेस में, इस वजह से आप मेरे को नोटिस करे। वाह अभिषेक, पता है तेरा घर नहीं बसेगा भाई, तू उसको पूरी ही नहीं करने देता बात। अरे मेरे को बसाना ही नहीं ना, मेरा ऑलरेडी बसा हुआ, तो मैं क्यों यार। प्यारू भाई बोल रहे, अभिषेक को अपना भाई बना लूंगी। हाँ भाई बना लूंगी। अरे नहीं भाई, मैं कन्यादान करना चाहती थी, तुमने मेरे को सामने से मतलब भाई बोला, तो थैंक यू। भाई का बोला, सोफिया ने भाई बोला, तूने भाई बोल दिया सोफिया, व्हाट इज दिस बिहेवियर ऑफ योर्स। अरे वो तो मजाक में बोला, अरे स्लैंग में बोला उसने। अरे मैं एक बात बोलूं यार, तुमने ना भाई भाई कम किया करो, कि जिस दिन कोई रिकॉर्ड करके ही तुम्हारा मजाक उड़ाना शुरू कर देगा। ये हमारे रिलेशन, ये प्यारू, मैं तेरे को मालूम है, मैं प्यारू तेरे को मालूम है मैं यार किसके साथ, फिर तू काय के लिए मेरे को जबरदस्ती किसी के साथ शिफ्ट कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो अच्छा लग रहा है दोनों। ये दिल से बोल, दिल से बोल प्यारू, एकदम दिल की धड़कन से बोल, झूठ मत बोल। अरे सुन मेरी बात ना, देख नाव चलती है ना तो दो साइड से चप्पू चलता है यार। प्यारू तो एक बात बता, मैं तेरे को बोल रहा हूँ सहजा, ये प्यारू हमेशा नीचे क्यों भाग जाती है, मैं जब भी होता हूँ ना मैं ऊपर रहता हूँ, ये नीचे भाग जाती है। प्यारू भाव खा रही है। वो प्यारू का आईडी सबसे लास्ट में ही दिखता है, आई डोंट नो क्यों दिखता है, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि हम लोग बाकी सब, हाँ वो इसलिए क्योंकि वो प्यारू तो टेंशन मत ले यार, मैं थोड़े दिन में ऊपर। अरे बोलने दे रहा, हम लोग किसी ने भी उसको फॉलो बैक नहीं किया है, क्योंकि नहीं मैंने किया यार, क्या बात कर रही, मैंने किया नहीं, मैंने भी किया है, प्राइवेट है इसलिए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं करती ना वो बंदी। अरे यहाँ पे जितने लोग बैठे ना उसमें से मेजोरिटी का मेरे को फॉलो रिक्वेस्ट आ चुके हैं, मैं सबका डिलीट कर चुकी हूँ, कोई मत भेजो मेरे को तुम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट। बेइज्जती कर दी इसने, तो बेइज्जती कर दी। किसकी करी वैसे, देखो बेइज्जती वाली बात है, बोलना तो पूरे दिन कहाँ गायब थी बोलना। यार प्यारू कैसी है, आज ऑफिस में थी यार, फिर जाके थोड़ा सा टाइम मिला, उसके बाद मैंने सो गई थी, मैंने बोला यार ख्याल था कि स्पेस तो उसके स्टार्ट होगी, तेरा ट्वीट देखा उसके बाद कोई स्पेस तो स्टार्ट होगी, तो मैंने दो तो सो लूं तो मेरे वाला मूव ऑन करने वाली थी उसके बाद। अच्छा वो वाला, तो मैं समझ गई तू आज भी स्पेस करेगा उसके बाद में, तो
कुछ सो लेती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद उठ के आ जाऊंगी। अनिरुद्ध बोल कुछ यार, तू क्यों माइक बंद कर यार, मैं कमेंट पे पहुंच गई, कैलोरी मतलब देख रहे हो। अरे तूने तूने देखा देखा वैनी नहीं देखा नहीं देखा मैंने, अभी चालू नहीं किया मैंने। उसके बाद मुझे बोलना कैसा है। चारू सुनना, ठीक है बोलना बोल। मैं बोल रहा हूँ मैंने देख सैंडला का पीछा छोड़ा तो अनिरुद्ध चुप हो गया। अनिरुद्ध अब अपन को जंग नहीं लड़नी पड़ रही ना अपने प्यार को प्रूफ करने के लिए। वही तो, जीत क्या गया यार, मैंने उसको छोड़ दिया मतलब समझ रहा, मैंने भाईचारा दिखाया इस जगह में। बिल्कुल बिल्कुल भाईचारा ऑन टॉप। हेलो गाइस, जो जो शैलजा मेरा कुछ कर, शैलजा मेरा कुछ नहीं हो सकता बहन, रहने दे। शैलजा पोनी के बारे में बात कर रहे थे आप इससे पहले। हाँ, पोनी के बारे में बात करते हैं। तो पोनी के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि वो थोड़ा बहुत मतलब बना, कल उसको कैसे साइडलाइन कर दिया गया यार डांस में, मेरे को तो बहुत बेइज्जती लगी यार। अरे वो तेको मालूम है यार, मैंने भी देखा 10 बार देखा, डांस करने आ भी रहा था लेकिन मनीषा ही नहीं गई उसके बाद डांस करने, तो नोटिस किया मैंने जो भी क्लिप देखी। थैंक गॉड वो तो डांस करने देख जैसे जैकेट नहीं उतारता वैसे ही जा रहा था, लेकिन वो अपना मतलब अलग ही डांस कर रही थी वो। सही है, मेरे को तो अच्छा लगा। मुझे प्यारू को बोलते तो यार उनको सैड गाने में भी ना मुझे ऐसा लगता है कि उसका ना क्या कहता है दिल विल टूट जाए, और वो उसको ऐसे जैसे वो वाला गाना नहीं था जिसमें वो ऐसे ग्लास में ऐसे जहर डाल के देती है अपने। यस यस जस्ट किल हिम किल हिम। अरे यार ऐसे मत बोलो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ शैलजा, सोच कितनी प्राउड की बात है उसके लिए, वो एक टाइम जिसमें मतलब आशा कैसे जैसे एक्साइटेड हो गई थी जस्ट किल इट। अरे क्या है क्या नाम है शैलजा, मैं बोल रहा हूँ उसके लिए सोच कितनी प्राउड की बात होगी एक टाइम वो गाना गाने। मैं तुझे अब से मैं इग्नोर करने वाली हूँ। क्यों नैंसी कहाँ चला गया? देखो जब मैं था तेरे मतलब मैं जब तेरे को भाव दे रहा था तब तेरे भाव ज्यादा बढ़ गए थे। मैं आपसे तेरे को इग्नोर करने वाली बस बात खत्म। और कर सकती है तू? हां बस अब तेरे को इग्नोर कर रही हूं बस बात। अरे ऐसा मत बोल यार, तू मेरी दोस्त है बहुत अच्छी। नहीं 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 अब तो मैंने इग्नोर कर लिया। कैसी तू यार, मतलब मैं तेरे माइंड लाइफ में जब मैं था जब मैं था तब तो पोनी की बात कर रहे थे ना हम लोग, पोनी का यार मत करो यार, तुम लोग पोनी को प्यारू देख रही है पोनी का क्या हुआ। अरे तो चोर टोनी को रोज कोई कर, मैं जनविली बता रही हूं, प्यारा बंदा यार। और मैंने ना हां यार देख 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 मैं भी एग्री करती हूं, वो ना अच्छा इंसान है, ठीक है सही है, अच्छे से काम भी दे रहा है, मनीषा को रिस्पेक्ट भी देता है। मैं नहीं मानता, पर बस खाली मैं भी नहीं, बस खाली मुझे ये लगता है कि मुझे तो लगता है मनीषा अनकंफर्टेबल है। सच बोलूं सच बोलूं, देख मैं तेको बताऊं कर रहा है यार प्यारू, मैं तेको बताता हूँ। देखो तेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं अपना बताता हूँ, मुझे वो बंदा इसके लिए पसंद नहीं, मैं काम वाम में तो सही है मतलब वो देता है, बाकी वो जो एकदम मतलब निब्बा पना करने लगा है, वो निब्बा पना करता है समझ रही। अब उसमें कमेंट कर रहा है तुम सामने से ताकि उसको रिप्लाई मिलेगी, तुम मतलब क्या। अरे उसको मुझे नहीं पता जाके लोगों को दिखता है कि नहीं दिखता, पर वो मतलब अनकंफर्टेबल लगती है मुझे कभी कभी, लगती है मेरे को मालूम है। देखो मैं क्या बता रहा हूं, बिया तो मेरे क्या कहते हैं इस पे अभिषेक मलहान को क्यों टैग करी जा रही है, मेरे को पर्सनली अनकंफर्टेबल नहीं लगती। और मैं क्योंकि वो चाहती है कि वो हमारे स्पेस में आए, क्या चाहती है, मुझे भी नहीं लगती, सॉरी हमारी जिंदगी में अनकंफर्टेबल भी लगती, प्लस आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट टोनी बिकॉज़ ही एक्चुअली ट्रीट मनीषा विद So much respect and so much adoration in her. वो तो कर रहा है, वो तो हाँ तू कमेंट मत कर क्या रू। अरे यार मैंने म्यूट कर रखा है तो कैसे बोल पा रही है। मैं कह रही हूँ कि उनका जो भी रिलेशनशिप है, मैं ये बोल रही हूँ चार दिनों में कोई दोस्ती इतनी क्लोज नहीं हो जाते, ठीक है जो भी है प्रोफेशनल है, मुझे साफ साफ ऐसे ही लगता है। और मैं सच्ची में बताना चाहूंगी कि टोनी जो है वो थोड़ा सा फ्लर्ट बाज मतलब थोड़ा सा है, वो ठीक है वो करता है सारी हीरोइनों से, मतलब उसने जैस्मिन को भी बोला था शादी कर ले करके,
ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ सीन है, पर हाँ अगर मनीषा की तरफ से भी मिलता है तो शायद कुछ सीन हो सकता है फ्यूचर में, बट आई जस्ट बस मुझे ये है कि दोनों अभिषा जो है ना, दोनों के दोनों वो अगर अपनी लाइफ में क्लियर कर लेना एक दूसरे को तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना तो आजू बाजू तीसरे चौथे लोग आते ही रहेंगे और हम लोग ऐसे ही बातें करते रहेंगे फालतू में, वो लोग क्लियरिटी कर दें तो बस बात खत्म। पहली बात तो तू प्यारू को म्यूट मत कर, तू जबरदस्ती म्यूट कर दी। मैं तो बोल भी नहीं रही कि उन दोनों का, मैं तेरे को म्यूट करूंगी, लेकिन मैं तेरे को म्यूट क्या पर्सनल वाला जाके, ठीक है अब तू मुंह खोला ना अपना, लेकिन पता है ये वो अच्छा चेप किसने बोला यार, प्यारू चेप किसने बोला, किसी ने तो बोला, किसी ने तो ये वर्ड यूज किया, मैंने बोला बोल दो, ये जो है ये घर पे जाके उसके मैगी बना रहे तो कोई कंफर्ट लेवल होगा उन दोनों के बीच में, ठीक है। अरे वो ब्लॉग नहीं था, वो स्टूडियो था, अब कोई मेरी बात नहीं सुनता अगर, तो फिर मैं म्यूट कर दूं, फिर कहते हो कि मैं वो कर रही हूं जो भी तुमने बोला। कृपया करके अभिषेक जी आप क्या कहते हैं अपने ये शब्दों को कंट्रोल करें, समझ में आ रही है, ज्यादा ऐसे ऐसे वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, आपको जो भी करना है आप प्लीज पर्सनल डीएम में जाके करें, ये सारी हरकतें यहाँ पे ना करें। और वो जो भी लोग यूज करते हैं ना, मतलब कि कमेंट सेक्शन में जो भी उसने किया, टोनी ने किया या फिर वो जैस्मिन के लिए यूज करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रमोशन के लिए यूज करते हैं, अपने सॉन्ग्स के प्रमोशन के लिए यूज करते हैं, वो सिर्फ हाइप बढ़ाना चाहता है। अभी उसका एक और गाना आ रहा है ना, जैसे उसने बोला तुम, तो उसने बोला तुम क्या, तो उसमें आता तुम दुनिया मेरी, ये वाली चीज आने वाली थी नेक्स्ट, ठीक है, और अगली चीज यही आने वाली है, तुम लोग देख लेना। और जब शैलजा तूने डिकोड किया, टोनी एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो तुम दुनिया मेरी लिख के, लेकिन उसने लिखा नहीं, जब तक उनके प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे तब तक ये चलेगा, उसके बाद ना कोई कमेंट्स आएंगे ना ये बात बोलूं, अगर तुम लोग मजाक में टोनी से चिढ़ते हो तब तो बात अलग है, ठीक है, वो मस्ती मजाक है तब तो बात अलग है, पर तुम जेन्युइनली चिढ़ते हो ना तो मैं सोच रही भाई तुम लोग क्या, तू बहन निभाते कैसे हो, बहन तू पागल वागल है क्या, हम लोग यहाँ पे जेन्युइनली चिढ़ के बैठे, वो हमारा चाचा का बेटा। अरे शैलजा मेरे को तेरा पता है पर अरे भाई कोई नहीं चिढ़ता यार, मेरे चाचा का बेटा नहीं लगा हुआ, मतलब मेरे चाचा के बेटे से मैं चिढ़ती हूँ, ये रियलिटी। अभिषेक भाई मिर्ची लग गई, अरे टोनी भाई को कोई कैसे कोई बोल रहा है, मेरे से आके लड़ो जिसको लड़ना है, टोनी भाई के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा मैं। अरे वो मनीषा स्क्वाड की है, मनीषा स्क्वाड की है, जिंदगी की स्पेस में आई है पलक पुरुषवाणी। अरे जिया शंकर भी आ गई, अरे सबको ले लो, पूजा जी भी थी कल आज अपनी स्पेस आ गया। अरे वो जिया शायद से जो आई है वो गाना अच्छा गाती है, मैंने सुना है ऐसा। हाँ एक मिनट रुको, लोगों को निकालना पड़ेगा, कौन लोग निकलने के लिए रेडी हैं? सबसे पहला नंबर है अभिषेक का निकाल तेरे को बताता हूँ फिर बाद में, और दूसरा कौन जाएगा ये बताओ, अनिरुद्ध है किसके हुए यार, ये प्यारू कैसी है देखना, मतलब यार उनके लिए तीन सब अनी को नहीं निकाल रहे यार, सिंकी मैंने तेरे को नहीं निकाला, अनी को ना पता है अनी को निकालेगी नहीं इसलिए। कौन बोल रहा है, मैं ये कह रही हूँ जिंकी बहन मैंने तेरे को नहीं निकाला है, यू नो आई लव यू, ये जिसने भी निकाला है वो मानसी है, नई नई होस्ट बनी है उसको, ठीक है बहन, ठीक है शायद उसका ग्लिच हो गया होगा, रुक जा मैं जिया शंकर को ऐड कर देती हूँ, जिया शंकर ऐड हो चुकी हैं, और दूसरा तो और दूसरा नहीं किसी को और, यार, हाँ, और दूसरा
और दूसरा किसको निकाल, नहीं नैन्सी तो चुप रहे, मैं ते, अरे सोफिया को पूछ लेना बात करे कि अगर मैं दूसरा क्या कहते हैं किसको निकालूं, अभिषेक को निकाल दूं क्या? अभिषेक तो मारू मत टाटा समझ, अभिषेक को निकालो, अभिषेक को बोल ले निकाल ले, वॉयलेंस नहीं इधर, इधर वॉयलेंस नहीं चलेगी, क्या बोल रहा है भाई तू, निकालो हाँ देख ले देख ले, अनी तू बेस्ट है, अनी तेरे को तो नहीं निकालो, भाई चारे हमारे अनिल को क्यों निकाला? ठीक है जो आपको कुछ ये जो जिया शंकर करके आईडी आई थी, आईडी मैं से पूछना चाहती हूँ क्या मजबूरी थी भाई, ऐसे कौन से कठिन दिन में ये आईडी बनानी पड़ी आपको? बोल रहे बोल बोल ले क्या मतलब, शंकर को ले लिया और पलक पुछवानी को नहीं बोल लिया भाई, बोल भाई बोल, रुक जा पलक रुक जा, मुझे तो लगता है ये कोई आदमी है जो जिया शंकर बन गया, वही तो मैं बोल रहा हूं, बोल भाई बोल, शायद लड़की यार, मैंने आवाज सुना है कल इसका शायद, अरे लड़का हो चाहे लड़की हो बोलो, ऐसे जिया शंकर की, जिया शंकर के आप फैन हो तो बोलो, तू चुप बैठ, क्यों भड़का रही है अगर आप मन को देख ले, अरे मेरी यार बात को बोल लो, आप काम रो मत आप बोलो, अरे अरे ये भी आ गई आकांक्षा पूरी भी आ गई, ओ हो आज तो सारे के सारे लड़कियां लगा रही है हमारे, सारे बिग बॉस वाले हो गए, अभिषेक भी हाँ, मनीषा भी आ जाओ, अभिषेक आ जाओ यार, तुम्हारा सेलिब्रिटी स्पेस बन चुका है अभी, अभिषेक है सेलिब्रिटी स्पेस, और मनीषा को बुलाने की जरूरत नहीं है, मनीषा के बुलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्यारू है ऑलरेडी, मनीषा को भी बुला लो, जॉय तुमने मेरे को बताओ प्यारू है ना, प्यारू है यार, तू चुप हो, मैंने मनीषा समझा है, तू चुप हो, मैं कह रही हूं जॉय तूने मेरे को कैडबरी भेजी थी ना कल, हाँ हाँ अरे भाई मैं खुद गई थी पहले नीचे, शैलजा कैसे भेजी थी भाई मेरे को ही बताओ, मुझे कभी कोई कुछ भेजा था ना शायद, सुन मुझे क्यों नहीं भेज रहा कोई टेर, इल्जाम लगा दे, तू खुद भी गई थी ना फिर भी मैंने निकाला था बहन तुझे, कोई बात मेरे दिल में तेरे लिए कुछ भी नहीं है यार, तू ऐसी कैसी बातें कर रही है, कल गई कहां थी, कल क्यों नहीं आई थी स्पेस में, कौन याद कर रहा था मुझे, अभिषेक सबको याद करता है, देख रही है शैलजा देख रही है प्यारू के बारे में कैसे कर रहा है, तू क्यों मुझे बोल रही देख रही है शैलजा, अभिषेक मल्हान भी आ गया, मतलब अलेक्स आ गया, आने दो एलेक्स को, एलेक्स को मैंने पहले भाव दिया था, एलेक्स ने ऐसे ऐसे यार मैं सच बता शंकर आई है पर एलेक्स पे सब मैं ब्लॉक कर रही हूं, तुम्हारा मैं कर रही हूं, मैंने ब्लॉक नहीं किया सॉरी, मैं म्यूट कर रही थी लोगों को, मैंने म्यूट कर दिया सबको, ठीक है मैं एलेक्स को एक बात बोलना चाहूंगी, एलेक्स तुमने जो उस दिन ऐसी हरकतें करी हैं बिना बात के अपने आप से जो त्याग किया है तुमने, उसके बाद मैंने त्याग कर दिया है ये क्या कहते हैं जोड़ियां बनाना फ्लोटिंग करना, ठीक है मैंने कर दिया बंद, अब मैं हो गई हूँ सीरियस, ठीक है और मेरी आंखों को सिर्फ एक इंसान दिखता है, ओह माय गॉड, आगे शैलजा बोलो, और वो हो तुम और तुम वो हो तुम, अरे प्यारे की क्या बोली थी, यार बोलने तो दो, बोलने तो दो, मैं बोल रही हूं, अरे यार मुझे तो बोल ले, शैलजा बात सुन मेरी, एलेक्स एलेक्स सुनो ना, तुम्हारी इतनी इज्जत है, मुझे क्यों म्यूट हो रहा, रुको दो मिनट, तुम्हारी इतनी इज्जत है कि स्पेस में जिया शंकर अभिषेक और पलक पुष्पमणी तीन जने बैठे, इतने बड़े बड़े सेलेब फिर भी भाव किसको मिल रहा है तुमको, सुनो सुनो
समझे दुनिया क्यों तबाह हो रही है, वजह हो तुम। लोग इतने क्यों निपट रहे हैं, वजह हो तुम। गाइस जिया शंकर कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, शैलजा आपने रोक दिया, उन्हें बोलने दो। हाँ ठीक है जिया, जिया ठीक है, जिया जी बोलिए। आकांक्षा भी आई है, उसको भी माइक दे दो प्लीज। अरे अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो, यहाँ पे जिया और अभिषेक एक ही साथ है, धक धक हो रहा है यार मेरे को। ए अभिषेक जा भाई, तू जा यहाँ से। सलमान खान भी है, सलमान भी है। अरे देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, सलमान खान आया है, सलमान खान। अरे दो मिनट, मेरा सलमान खान तो अनिरुद्ध है। अरे दो मिनट रुक, मैं क्या बोल रहा हूँ प्यारू, देख यहाँ पे जिया के लिए ऑलरेडी एक अभिषेक आ चुका है, मैं तेरा अभिषेक को टेंशन मत ले। अरे ऐसे कुछ, अरे हाँ भाई सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, इस वाले अभिषेक को तो मैं निकाल के फेंकना चाहती हूँ, जो अपने बैठा हुआ यहाँ पे। बोलो, सुन लो ना, ये सेलेब के नाम ले रहे हो पर ना ये ध्यान से लियो, क्योंकि फिर कोई लोग क्लिप काट के चले जाएंगे। हाँ ठीक है, पलक का नाम लेंगे मैं, पलकू। और उसको हाइड करने की कोशिश कर रहे थे कि उसके अंदर बहुत ज्यादा एंगेजमेंट आ गई है। गाइस उसके अंदर एंगेजमेंट हम सब की ही थी, हम उसे रिप्लाई कर रहे थे। ट्राई नॉट टू डू दैट, जो मैं पहले बोल रही थी कि एक जने ने कर दिया उसको एंगेजमेंट मत दो। गलत चीज़ें हाईलाइट तभी होती हैं जब आप उसकी एंगेजमेंट बढ़ाते हो, और उसकी एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा थी और उसमें हमारे ही कमेंट्स थे, ठीक है। और कमेंट से एंगेजमेंट ज़्यादा हो रही थी, हमारे रीट्वीट्स बाकी सब पे हो गए थे बट उसके कमेंट्स इतने ज़्यादा थे कि उसकी एंगेजमेंट ज़्यादा दिख रही थी। एक वो मत करो, और ये हर चीज़ के लिए है, जो एक्स वाई जी फैंडम भी कुछ करता है, फेक अकाउंट्स कुछ करते हैं, एंगेजमेंट मत दिया करो। आप उसको ब्लॉक कर दो, एक एक करके सब ब्लॉक कर दोगे, एंगेजमेंट खत्म हो जाएगी तो कुछ दिखेगा ही नहीं, आप लोगों के अकाउंट्स ऊपर दिखेंगे। आप थोड़ा सा, आपको लगता है कोई ऐसा ट्वीट है ये सबको दिखना चाहिए, डोंट थिंक। आप अदर फैंडम्स को भी टैग करना चाहते हो करो, कि ये आपको लग रहा है ये ट्वीट ज़्यादा अच्छा है, ये दिखेगा तो सबको पता चलेगा कि हाउ स्ट्रॉन्ग अभिषा इज, या वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, या कुछ आपको दिखाना है एक आधे ट्वीट में टैग कर दो। मेक योर फैंडम स्ट्रॉन्ग, डोंट थिंक अबाउट व्हाट अदर्स आर डूइंग। एज मनीषा सेज कि अपने आप को ऊपर लाने के लिए काम करो, दूसरे को नीचे करने के लिए काम मत करो। वन पॉइंट इज दिस। सेकेंड, मैं सेकंड भूल ही गई हूँ ऑनेस्टली, बट एक ये चीज़ आप लोग ध्यान रखो, अपने फैंडम के लिए काम करो, दूसरों को नीचे लाने के लिए काम मत करो, ठीक है। बाकी लेट अदर पीपल टॉक, देन आई थिंक कि मेरे को क्या बोलना था, एक और पॉइंट था बट अभी मैं भूल गई हूँ। प्रिंस आप बोल लो, फिर मुझे एक पॉइंट बोलना है। तो अगर मैं ये बस बोलना चाह रहा था कि नीतू जी ने, आपने बोला कि स्पीकर में सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लेकिन हम लोग इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमने जीसीस बनाई हुई हैं, जिसमें हर लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब आती है, ये ऑफिशियल जीसी है और यहाँ पे ना जब हम लोग सबको माइक्स देते हैं तो यूजुअली लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिस जो हम पे बैकफायर होती हैं, जो ऑफिशियल लोग हैं उन पे बैकफायर होती है। अनाया को गाली मिलती है, रॉकी भाई को गाली मिलती है और हम सबको गाली मिलती है, तो इसलिए हम लोग सबको माइक की तरफ देना प्रेफर नहीं करते। यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं, क्योंकि जो भी अभी स्पीकर पे हैं वो थोड़ा दिमाग से सोच, सॉरी अगर मैं थोड़ा हार्श हूँ, लेकिन लोग दिमाग से लोग हम लोग सोचते हैं, मतलब सोच हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेशन, सॉरी कोई गलत ना समझे, मैं करेक्ट कर रही हूँ, पॉलिटिकली करेक्ट सोचते हैं अपने दिमाग को रखते हैं, ताकि ना हम पहले सोचें और फिर एक्ट करें। हम लोग यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनके लिए, इमोशंस में आके चीजें कर देते हैं। आई नो उनमें से पता है आधे से ज्यादा लोग रिग्रेट भी करते हैं कि हमने बोल दिया यार ये कर दिया, तो वही है बस कि यार सोच के कर लो ना, एक बार सोच के हर चीज करो तो फिर आपको भी रियलाइज हो जाएगा कि नहीं हम ये नहीं करते हैं तो अच्छा है, इससे अच्छा हम उन लोग के बारे में कुछ अच्छा ही लिख देते हैं, इससे अच्छा ये कर देते हैं बस।
प्रिंस पता है क्या प्रॉब्लम है, हर चीज जीसी में या फैंडम में नहीं कंट्रोल हो सकती, आप पूरे उसको नहीं गवर्न कर सकते। ये इंडिविजुअली अगर कोई स्पेस में रेगुलर आता है उसको खुद ही सोचना पड़ेगा कि मैं ये करने जा रहा हूँ क्या ये सही है या गलत है। यू हैव टू थिंक बिफोर एक्ट। अगर आप हाई पर हो के किसी का एक कमेंट, अभी आज मैंने एक बंदी से बात की ठीक है डीएम में, मेरा पूरा डीएम भरा हुआ था एंड शी वॉज फीलिंग वेरी लो वेरी लो। मैंने सोचा ऐसा कुछ है ही नहीं, क्यों इतना, फिर मैंने उसका देखे, उसने मुझे ट्वीट्स भेजे, मैंने पूछा, देन शी सेंड मी वॉइस नोट्स। मैं नहीं बताऊंगी कौन क्या, बट द थिंग इज उस वो जा के हर एक को रिस्पॉन्ड कर रही थी। मैंने बोला सुन स्वीटू स्टॉप रिस्पॉन्डिंग, ये सब अपने आप टीएल में आना बंद हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन, यू डोंट हैव टू डिफेंड, यू डोंट हैव टू टेक अ स्टैंड एवरी टाइम विद एवरी वन। You don't have to do that. जब कोई ऐसा situation आएगा, then officially people will take stand. People do trends, right? That the whole reason of doing trend is to oppose something. तो इस वजह से मैंने उसको फिर कंसोल किया, फिर मैं चली गई आरती करने। अब वो आई थिंक शी स्लेप्ट। तो पॉइंट इज, अच्छा मेरे टीएल पे कुछ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज मैं हूं नहीं यार, मैं जब हूं नहीं, मैं एंटरटेन नहीं करती, मैं लाइक नहीं करती, कुछ आता है मैं हाइड कर देती हूँ। यू हैव क्यों? क्योंकि अगर मैं देखूंगी ना तो फिर मैं रिएक्ट करूंगी। चलो आपको देखना है, आप गुस्से हुए हो, आप पूरी तरह से, बट एटलीस्ट थिंक बिफोर यू एक्ट, ये हम कर रहे हैं। और अगर आपकी बात किसी ने बोल दी ऑलरेडी तो उसको दोबारा बोलने का कोई सेंस नहीं है। एक ही बात को चार लोग बोलेंगे, व्हाट इज द पॉइंट? द पर्सन विल फील कॉर्नर्ड, राइट? तो बात आप वहीं पे खत्म कर दो, ठीक है? अब आप लोग चाहो तो प्रिया बोल ले एंड जस्ट एंड दिस टॉपिक। वी ऑल फील फॉर द गर्ल। अगर कोई कॉन्टेक्ट कर सकता है तो प्लीज ब्रिंग हर टू दिस स्पेस, विल टॉक टू हर, आई एम श्योर शी विल फील बेटर। और ये बात अगर बाद में ना हो, फ्यूचर में ना हो, तो इसका सिंपल सा सलूशन है कि सिर्फ जो मेन हैंडलर है वो ये ट्वीट के खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन अगर कोई ट्वीट नेगेटिव हो टीएल की तरफ से तो सिर्फ मेन हैंडलर जाके बोले उस स्पेसिफिक पर्सन को। नहीं तो प्रिंस बोल रहा है, शायद आपको उसकी आवाज नहीं आ रही, प्रिंस बोल रहा है अभी कि सब लोग नहीं, अगर कुछ ज्यादा ओवर हो रहा है तो सिर्फ मेन हैंडलर जाके उसको मैसेज कर दे कि हाय गाय और गर्ल, ये थोड़ा ज्यादा हो गया है, कैन यू प्लीज टेक दिस ट्वीट डाउन। मतलब ये इस स्पेसिफिक ट्वीट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बोल रहा हूँ कि अगर कोई ट्वीट ऐसे दिखे आपको, आई मे बी रॉन्ग इन दिस पॉइंट, आई मे बी रॉन्ग। आई थिंक हमारे फैंडम में इतने स्वीट लोग हैं वो मान जाते हैं। आज मैंने भी 2-3 ट्वीट सुबह मॉर्निंग में जब एकदम से वो हाइप आ गया, उसने जो लाइक करे थे 2 कमेंट्स, तो मैंने भी 1-2 लोगों को बोला और उन्होंने 1 सेकंड में ही अपने ट्वीट हटा लिए थे। तो पीपल आर स्वीट इन आवर फैंडम, वो अपने फैंडम के लोगों की बात सुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो अभी हम आपको राय दे रहे हैं ना कि सोच के लिखो, वो मैं भी करती हूँ। मैं आज पता नहीं दिन में कितनी बार हो चुका है मैं ट्वीट लिख रही हूँ और लिखते लिखते मुझे लगा क्या मुझे ये करने की ज़रूरत है एंड आई हैव डिलीटेड दैट। तो आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी होता है, इमोशंस में हम कई बार लिखने लग जाते हैं और फिर रियलाइज़ होता है। बस वो रियलाइजेशन जैसे ही हो ना, यार डिलीट कर दो ट्वीट या मत लिखो ट्वीट, इमोशंस में बंदा कर जाता है, वी अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, बस थोड़ा सा जस्ट थिंक ट्वाइस। रॉकी बोलो, रॉकी, आई वांट टू हियर यू। पता है एक वैसे, मतलब वो जो, मतलब आप लोगों ने वो देखा ट्वीट, वो जिसमें अब्यूज किया गया है, वो ट्वीट मतलब टैग करके किसी ने नहीं बोला था, लेकिन क्या किया ना, एक लड़का था वो 14 साल का है सिर्फ, वो बंदा क्या किया ना, उसमें प्रेरणा दी और अभिषेक को टैग करके वो कमेंट के नीचे डाल दिया। फिर उससे मतलब वो डायरेक्ट, मैंने देखा, मेरे को फॉलो करके रखा है ना, तो उससे मैंने अभी स्पेस बना था, हम लोग पॉजिटिव कमेंट करवा रहे थे ना, तो मैंने उससे डायरेक्ट डीएम किया कि डिलीट करो। वो बोल रहा है मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्या डिलीट करूँ। तो फिर मैंने उसके पास स्क्रीनशॉट भेजा कि तूने टैग करके ये, मतलब वो जिसमें अब्यूज किया उसको डिलीट कर दे, कोई फायदा नहीं है, मतलब कोई फायदा नहीं, मतलब उनके पास पता नहीं पहुंच गया नहीं पहुंचा, लेकिन तू टैग किया है ना तो पहुंच सकता है, क्योंकि वो कमेंट पढ़ते हैं। तो मैंने उसे डिलीट करवाया, वो डिलीट कर दिया बाद में, बोला कि इसके बाद नहीं होगा भैया, गलती से हो गया था। तो हम लोग भाई कोशिश करते हैं, अगर हमको जो गलत दिखता है उसको हम रोकने की, मतलब बहुत कोशिश करते हैं। अगर जिसने भी गलत ट्वीट किया, अगर उसे डीएम खुली हुई तो हम लोग डीएम में बात कर लेते हैं। बताऊं मैं, आप कितना भी कंट्रोल कर लो, बेलविश वाले इतनी बुरी स्पेस खोल के बैठे थे, मैंने, मेरे को भेजा किसी ने, आई थिंक प्रफुल ने भेजा था, उसमें अभिषेक टैग्ड है, क्या कर लोगे यार? तो कहीं ना कहीं तो स्टार्स को ही समझना पड़ेगा कि यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग, यू कांट कंट्रोल सोशल मीडिया,
यू कांट कंट्रोल. मेरे पास लास्ट पॉइंट है फिर मैं जाती हूँ बिकॉज मुझे डिनर भी करना है. आई एम सो सॉरी लेकिन मैं यही बोलना चाहती हूँ कि यू कांट कंट्रोल एवरीबॉडी. जब आप कंट्रोल करोगे ना तो फिर वही होगा जो उस बंदी के साथ हुआ है. तो हर समय यू डोंट गेट इनटू दिस एग्रेसिव मोड कि आप तो सबसे ट्वीट ही डिलीट करानी. नहीं, लेट देम, मतलब कुछ तो अकल उन लोगों को भी है भाई, स्टार्स को भी. दे हैव सीन दिस डेफिनेटली. उन्होंने कोई रिएक्शन दिया. मनीषा इज सीइंग सो मच ऑफ नेगेटिविटी. तौबा, उसको हर चीज के लिए बोला जा रहा है यार, हर चीज के लिए बोला जा रहा है. वो बंदी कितनी ब्रेव है. कुछ कोई सीखना है तो कुछ उससे सीख लो. वो जब से आई है वो सब कुछ एक स्माइल के साथ उठा के, शी इज जस्ट लुकिंग कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे क्या करना है. एंड दैट इज एक्चुअली अ स्टार बिहेवियर. लाइक जो एक्चुअल स्टार्स में होता है ना, बॉलीवुड स्टार्स में, ये है उसमें. तो वो इतना, मतलब क्या नहीं हुआ उसके साथ, बट शी हैज स्टूड अप. तो ऐसा ये अकल उन लोगों में है. तो हम लोग यहाँ बच्चों को अच्छा किया रॉकी बोला आपने, लेकिन अब ये नहीं कि हमने ये बात बोल दी यहाँ पे तो अब जितने हैं 500-600 लोग जाके किसी एक पे चढ़ जाओ, नहीं डिलीट करो. नो, डोंट. ये उसकी प्रोफाइल है, फिर उसकी मेंटल हेल्थ होगी. तो हर चीज को एक लिमिट में रखो. आपको बोला जा रहा है ठीक है, अच्छी बात है, टेक इट एज एन एडवाइस. यू हैव योर ओन जजमेंट लाइक दैट. इवन द स्टार्स हैव देयर ओन जजमेंट. अल्टीमेटली वॉट यू हैव टू रिस्पॉन्ड. एक बात हर कोई हमेशा शुरू से बोल रहा है इस स्पेस में, जब से आ रही हूं, जितना आप नेगेटिव ट्वीट्स को एंगेजमेंट दोगे उतना आपकी टीएल उसमें भरेगी, और आपकी टीएल भरेगी, आपकी मेंटल हेल्थ बकवास होगी, और ऐसे लोगों को मौका मिलेगा. मुझे ये एल्विश वाला नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं. मैंने किसी को नहीं डीएम किया ना, मुझे डीएम भी किया गया है, मुझे बताया गया ये हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो उनका कर्मा है. और वो अभिषेक को अब डील करना है. क्यों? क्योंकि वो जानता है कि क्या हो रहा है. अब वो किससे क्या कर सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं. हम लोग ज्यादा एक पॉजिटिव ट्रेंड कर सकते हैं, जाके लड़ेंगे झगड़ेंगे, उसमें फिर जब और गंदगी आएगी दैट विल इफेक्ट हिम इवन मोर, क्योंकि उसके फैंडम लोग वाले इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके फैंस इन्वॉल्व हो रहे हैं. एटलीस्ट अभी उसके फैंस तो शरीफ है ना, अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं. तो आप ऐसे सोचो थोड़ा सा. और बच्चों में अकल नहीं होती, आई अग्री टू दैट. जैसे 14 साल के, 15 साल के, 16 साल के, उनको आप गाइड कर सकते हैं, पर गाइडेंस भी ऐसे करिए कि डेमोक्रेटिक लगे, डिक्टेटरशिप नहीं लगे कि वो बंदा जाके अपना डीए कर ले अकाउंट. तो बस यही सब 2-3 बातें हैं. बाकी यार टेक अ चिल पिल. मैं एक बात बताऊं आपको, और भी चीजें हैं ट्विटर में. पॉलिटिक्स हो गई, मूवीज हो गई, थ्रिलर हो गई, हॉरर हो गई. जब नहीं कुछ कंटेंट मिल रहा है, जाओ जाओ एक मूवी देख लो. यू फील फ्रेश, सीरियसली यू फील फ्रेश. क्योंकि आप यहाँ लगे रहोगे फिर आप इस नेगेटिव में घुसोगे, उससे बहुत अच्छा है आप जाके एक हॉरर मूवी देख लो एंड यू कम बैक पोस्ट अ ब्यूटिफुल एमवी ऑफ अभी और दिस थिंग. तो ऐसे ब्रेक ले लेके रहो, नहीं तो आप यहीं पे यू नो इट विल गो वेरी बैड. तो बस मेरा ये 2 सेंट था, मैं जाती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड गाइज लॉट्स ऑफ लव. प्लीज कीप बी पॉजिटिव, प्लीज बी हैप्पी एंड स्टे चिल. और कुछ अगर हो तो प्लीज डीएम मी, आई एम ऑलवेज देयर विद यू ऑल. ठीक है, आपने वो ट्वीट देखा था, आपने वो ट्वीट देखा था, आप लेट है शायद. मैंने ट्वीट को बाकायदा भाई उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया है, मैंने तो इनकरेज किया था. Again, it is not my prerogative at all. When Abhishek has replied, my job ends there. मुझे कुछ नहीं करना. Abhishek ने उसको agree किया, उस पे जवाब दिया. It's about him. He liked it. He consoled that girl. मतलब उससे ज्यादा. और उसके बाद फिर हम लोग चढ़े. What is the point? I was shocked. मुझे तो पता लगा. मैं सोची यार डिलीट क्यों हो गया, इतनी अच्छी ट्वीट डिलीट हो गई, डिलीट हो गई. फिर मैं अभी यहाँ ही मैंने सुना, मैंने बोला this is very unfortunate. When he has addressed the matter, you don't have to go and, you know, abu sab pe chana. That is what we have to understand. After all, it is that person's profile. Ek limit tak bolo yaar. Bas itna hi tha. Chalo guys, maine to usko pakda toot bhi kiya. Riya di, I totally agree with you. And pehli baat to, and main do teen baat bolungi Riyadi aapke baaton ke addition mein. First of all to log comment kar rahe ki ek do log ke wajah se hame 500 log ko kyu suna rahe ho. Guys yahan koi kisi ko nahi suna raha, we are just having a conversation. Hum apne point of view share kar rahe ek dusre ke sath, kisi ko koi suna nahi raha. And jab second mental health effect hoti hai na, chahe wo ek bande ki ho, then it becomes our responsibility being adults कि बोलें. इसलिए बोला जा रहा है, बाकी आप इस टॉपिक को एंड करके चिल करो, खत्म करो. एवरीबॉडी गॉट द मैसेज. लेकिन अगर कोई मेंटली हैरेस हो देन यू हैव टू स्पीक. हां बोलो प्रिया. यस एंड हम सुना नहीं रहे. सेकंड ऑफ ऑल दैट ट्वीट उसमें कुछ गलत नहीं था. शी वाज अ फैन हु जस्ट गॉट इमोशनल. उसने प्यार से एक ट्वीट किया है जिसपे अभिषेक इज स्मार्ट इनफ, उसको पता है वो कहाँ रिएक्ट करना चाहिए कहाँ रिएक्ट नहीं करना चाहिए. अगर उसने रिएक्ट किया है तो कुछ लॉजिक है उसमें. तो प्लीज हर चीज को इतना
मतलब हर चीज का इश्यू तो पहली बात पता नहीं क्यों बनता है, एंड सेकंड ऑफ ऑल अभिषेक आप प्यार करते हो, अभिषेक को आप प्यार करते हो मनीषा को, बट इसका मतलब ये नहीं है वो लाइबल है हम लोगों को, मतलब उन्होंने हमसे कुछ कर्जा नहीं ले रखा है कि वो हमारे अकॉर्डिंग कुछ करेंगे, वो वो सब कुछ पढ़ता है, उसको दिख रहा था सब देखना चाह रहे हैं, उसने सिर्फ कोई भी एक ट्वीट पिक कर लिया, ही वॉन्टेड टू सेंड दिस मैसेज टू अस बिकॉज एक्चुअली बहुत अपसेट हो रहे थे, और वो बस उसने सिर्फ ही जो मतलब अगर कोई भी सोच रहा है कि उसने पर्टिकुलरली उस गर्ल को मैसेज किया, नो इट वाज फॉर होल फैंडम, दैट्स व्हाई, एंड द इमोजी ही यूज्ड क्या लग रहा है उससे लोगों को, अगर कोई बोल रहा है कि यार मांग रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा, नो गाइस आपने नहीं मांगा है, वो ऑलरेडी आपके लिए मेहनत कर रहा था, वो एक दिन में कोई वीडियो बना के नहीं डालता है, ही टेक्स टाइम, ही इज अ प्रोफेशनल, उसकी वीडियोज हमेशा, उसने ये बिग बॉस में भी बोला है कि उसकी वीडियोज बनने में एक एक हफ्ता लगता है, तो अगर आप समझो वो कल परसों दो दिन पहले दिल्ली वापस आया तो वो एक हफ्ता लेके उसने पहले ही प्लान किया हुआ है उसने ये डालना है। अच्छा ये भी चल रहा है कि भीख मांग रहे हैं। हाँ, मतलब यार सीधे चलो तो प्रॉब्लम, पीछे चलो तो प्रॉब्लम, यार हाउ पीपल विल स्टे अलाइव मैन, मतलब रिया लिटरली पीपल आर सेइंग सॉरी सॉरी अभिषेक हमने आपसे ये मांगा, एंड देन हम भीख मांग के मांग रहे हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस रह जाएगी, मतलब ऐसे ट्वीट्स भी थे जो मैं पढ़ रही थी। एक मिनट इसमें मैं एक पॉइंट बोलना चाह रही थी यार, वो जैसे ये वाले ट्वीट देख रहा है ना जो बैड वाले हैं, ठीक है, तो सुबह से जो हम लोग चला रहे हैं ना उसके अच्छे अच्छे ट्वीट्स, जो प्यारे प्यारे मीम्स, प्यारे प्यारे रील्स जो मैं शेयर कर रही हूँ, बाकी सारे लोग शेयर कर रहे हैं, उसमें से किसी लोग का तो उसने देखा भी है, तो क्या तो सबको क्या लगता है वो सिर्फ और सिर्फ बुरी वाली बातें देख रहा है वो सब? नहीं तो वो अच्छी देख कर ही आया है, कोई भी मांगे या ना मांगे ये बात ऑलरेडी उनके दिमाग में अटकी हुई है कि हमको एक एमबीए बनाना है अभिषेक का, बिकॉज हम लोग मांगे यहाँ से कोई मांगे या ना मांगे, इट इज सच अ हाइप कॉन्सेप्ट, और इतना ज्यादा लोगों ने प्यार दिया है ट्विटर पे, आप सबको रोक लेंगे, पर क्या ट्विटर के बाहर उन लोगों की जनता नहीं है? क्या ट्विटर के बाहर कोई उन्हें मानता नहीं है? तो हर प्लेटफॉर्म में उनको माना जा रहा है यार, तो इसका मतलब ये नहीं, इट इज नॉट ओनली अस यार, YouTube अगर आप पोल्स देखो, मैं उस दिन कोई पोल देख रही थी, 140k वोट्स थे, एंड 140k वोट्स के अंदर इट वाज 84% या 87% अभिषेक, सो हाउ बिग इट इज, आज तक पे मनी का आया है क्या? ऐसे ही आया है, ऐसे तो नहीं आया ना, रियादी अपनी ब्रांड बन गई है। रियादी ट्विटर तो बस एक लाइक एक पार्ट है अभिषेक फैम का, अभिषेक फैम बहुत बड़ी चीज है, ट्विटर एक पार्ट है उसका हर चीज। तो अगर यहाँ से मान लो ट्विटर से सब हट भी गए, इवन देन रिस्पॉन्सिबल स्टे अलाइव, तो ये तो बिल्कुल नहीं हम भीख मांग रहे हैं नहीं मांग रहे, इट विल स्टिल बी अलाइव एंड दे विल वांट टू गिव इट बैक टू देयर फैंस बिकॉज़ उनको प्यार मिला है, यू नो दे वांट टू कैपिटलाइज दैट। एंड अभिषेक और मनीषा ट्विटर के लोगों, सिर्फ ट्विटर के लोगों के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन नहीं बनाते, वो ओवरऑल देख के बनाते हैं, ट्विटर के बाहर भी एक अभिषेक फैंडम की दुनिया है। और गाइस जो म्यूजिक वीडियो या वीडियो नहीं आ रही है, आप उसका ये रीजन मत समझो कि जो उन्हें या हेट मिल रहा है कुछ, वो बहुत दोनों समझदार है, चाहे आप उसको वर्क मोड में ले लो या पर्सनल मोड में ले लो, हमने उन्हें बिग बॉस में देखा है, दे आर कैलकुलेटिव, दे आर इंटेलिजेंट, दे नो व्हेन व्हाट शुड बी डन, तो वो अपनी समझ लगा रहे हैं, उनको पता है कि हेट आ रहा है, अगर एक एक साइड से भी हेट आ रहा है दे डोंट वांट इट, उन दोनों को एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना है, दे आर प्रोटेक्टिव अबाउट ईच अदर, दे डोंट वांट दिस, तो वो जो कर रहे हैं ना वो ये नहीं, आप ये सोचो कि यार हमने ये बोल दिया तो इसकी वजह से वो म्यूजिक वीडियो नहीं आ रही या इसकी वजह से उनका वो क्या कहते हैं ब्लॉग नहीं आ रहा, नो दे आर थिंकिंग वाइज। अच्छा यहां पे किसी ने मतलब वो नोटिस सब कुछ करते हैं बट कंसिडर सब अपने हिसाब से करते हैं, ये भी तो देखो ना कि दोनों अपने अपने शेड्यूल में इतने हेक्टिक शेड्यूल चल रहे हैं उनके, इतने सारे ऑफर्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्जैक्टली और उस ऑब्वियस सी बात है कि डेट्स मैच भी तो होंगे ना, कुछ चीजें मैच होंगी तभी तो एमवी आएगी शूटिंग के लिए, ये तो एक सेंसिबल
थॉट है ना लोगों में कि ये नहीं है ना, बहुत सारे बच्चे नहीं समझते बेटा। एक बात किसी ने यहाँ पे नोटिस किया, कल अभी ने एक अभिया वाले फैन को फॉलो किया था फॉर लाइक गुड 30-40 मिनट्स एंड उसने भी नोटिस नहीं किया। डिड एनीबॉडी नोटिस दैट? नहीं, कहना है कहना स्पीक, मैं बोलूंगी तो बताऊंगी। जुदाइयां वाला जब कल अभी जुदाइयां वाला जब आने वाला था ना, तो उसने एक आईडी को मैंने कल देखा था, उसकी दो फॉलोइंग थी। I checked it, तो मैंने देखा कौन है क्या है, तो मैंने देखा उसने ये दोनों का अभी वाला कंटेंट लाइक मतलब उसमें भरा हुआ था, तो मैंने बोला चलो अच्छी बात है। तो मैंने यहाँ पे नहीं बोला बिकॉज जब मैं यहाँ स्पेस में बैठी थी तभी तो जाते जाते मैंने देखा था, मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैं चली गई कुछ खाने पीने एंड व्हेन आई केम बैक लाइक 30-40 मिनट्स में के लिए ही था, फिर हट गया। तो एंड आई डोंट थिंक सो दैट इवन द प्रोफाइल पर्सन एंड आई फॉरगॉट द नेम, आई कंप्लीटली फॉरगॉट, तो वी से था कुछ। तो पॉइंट ये है ना कि उसके बाद फिर मैंने देखा कि उसने दो MVs रिलीज किए हैं, एक स्टोरी रिलीज की है। तो यार वो ना एक मैसेज देने का तरीका भी होता है, लोगों को रिप्लाई देना, लोगों को फॉलो देना। मेरा तो पूरा एक दिन था, तो अब वो क्यों, क्योंकि हम लोग सब उस तरह के उस मोड में थे वेर ही वॉन्टेड टू, उसके बाद फिर उसने रिप्लाई दिया, फिर कुछ लोगों को ब्लॉक किया। तो इट्स इज वे ही इज दैट इज वॉट आई एम सेइंग, दीज टू इंडिविजुअल्स जिनको हम प्यार करते हैं, दे आर वेरी मच केपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग, ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ऑफ टेकिंग देयर डिसीजंस। आप उन पे बस ट्रस्ट करो इंस्टेड ऑफ गेटिंग हाइपर। आप कुछ नहीं हो, आप ये मत सोचो आप कुछ करोगे तो इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। नहीं, एक से नहीं होगा। जब वो भी जब इतना सब देख रहे हैं, अब आज वो स्पेस में थे, कुछ किया उन्होंने, कुछ नहीं किया, दे इग्नोर्ड इट, पुट इट इन अ गार्बेज। उस बंदी का कुछ नहीं, उस बंदी ने बहुत प्यारी ट्वीट लिखी थी, उसने बहुत हार्टफेल्ट ट्वीट लिखी थी, कोई भी होता तो रिप्लाई करता। एंड द वे ही गिव दैट हग, इट वॉज वेरी स्वीट। तो लेट्स नॉट टेक दैट क्रेडिट अवे, वो उस बंदी का ट्वीट था एंड डेफिनेटली ही वांटेड टू कन्वे टू ऑल ऑफ अस कि हम लोग करेंगे। और उनको ना अभिषेक का मैंने देखा, उनको ना अभिषेक का ना स्वीट ट्वीट्स और ऐसे ट्वीट्स जब वो ही लो वो उनको लगती है, मतलब ही रिस्पॉन्स। मैंने ये नेचर नोटिस किया है, अब वो मेरा गट इंस्टिंक्ट भी हो सकता है। गलती से कर दिया, मैं लगातार करती गई एंड वो रात भर रुका, सुबह हटा बिकॉज ही हैज टू कम बैक टू न्यू एंड आई न्यू कि वो होगा। तो वो एक वन ऑड इंसिडेंट है, उनको हक देने की जरूरत नहीं थी स्ट्रीट में, बट ही गेव भूल जाऊंगी। दो पॉइंट्स है, एक जो अभी हमने पॉइंट बोला ना इमोशनल, जब भी वो किसी अदर फैंडम की किसी चीज को कुछ करता है ना, जस्ट अंडरस्टैंड वो उसके फैंस है, वो इमोशनल होता है तभी वो रिप्लाई करता है, डोंट जज हिम देयर, ही इज एन इमोशनल पर्सन, ही कंसीडर्स फैंस एज फैंस। वो हम लोग जैसे फैंडम वॉर में नहीं बैठा हुआ हर टाइम की वो ऐसा है या उसने ये किया, सो अंडरस्टैंड हिम देयर, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड मेरा पॉइंट है, जो अभी जो भी एल्विश आर्मी ने किया है हम उसके टोटली अगेंस्ट है, दैट इज लाइक बुलशिट थिंग विच एनीबडी कुड हैव डन। लाइक मनीषा के अगेंस्ट भी होता था बट तब ऐसा लगता था शायद सोच समझ के थोड़ा बोल लेते थे, बट यहाँ पर जो अभी हुआ है वो तो बहुत ही बुरा है। बट आई विल सजेस्ट वन थिंग, दिस इज जस्ट अ सजेशन, आप अगर इसके बारे में कुछ लिख रहे हैं, अगर आप इसके बारे में कुछ लिख रहे हैं, आप इसके अगेंस्ट हैं, तो प्लीज डू नॉट ट्राई टू रीट्वीट द ऑडियो और द रिकॉर्डिंग्स, बिकॉज हमें गलत चीज आगे नहीं फैलानी है, हम सिर्फ लिख के भी अपनी बात बोल सकते हैं। प्लीज इस चीज को, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज हर्टफुल फॉर एनीबडी, अगर हमें इतनी हर्टफुल लग रही है, अभिषेक पास जितनी बार पहुंचेगी उतनी बार हर्टफुल लगेगी, और कभी भी कुछ ऐसा आपको गलत अपनी टाइम लाइन पे दिखता है, राइट, एंड कभी भी आपको अपनी टाइम लाइन पे या अभिषेक के हैश टैग पे या मनीषा के हैश टैग पे कुछ गलत दिखता है, तो उसको रीट्वीट नहीं किया जाता, उसके बारे में एक बार बोलो और अच्छी चीजें पोस्ट करो उनके हैशटैग पे, ताकि आपके फैन आपके आइडियल तक वो गलत चीजें ना पहुंचे, वो इफेक्ट ना हो, ठीक है। ये दो चीजें हैं, जस्ट ट्राई टू डू दैट, बस अब बोल लो जिसने बोला। मेरे पास भी और गलती हाँ जी ऋषि बोल, बिनिता जी को बोलने देते हैं, बहुत अच्छा बोल रहे, वो बहुत देर से हैंड रेज करके हैंड रेज का भी हां विनीता
Yes, मेरे पेशेंस का तुम लोगों ने जवाब दिया, थैंक यू सो मच. अच्छा मुझे ना जो तुम लोग बिल्कुल मजाक कर रही हूँ यार, मजाक कर रही हूँ. तुम लोगों ने जो पॉइंट्स भी बोले हैं सब मेरे दिमाग में थे, तुम लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया तो वो पॉइंट्स मुझे अब नहीं बोलने. मेरे पॉइंट्स बिल्कुल थोड़े डिफरेंट हैं. आई होप यहाँ पे मतलब ऑफेंड नहीं होगा कोई, या फिर उसको ये नहीं लगेगा कि मैं आउट ऑफ द वे बोल रही हूँ. मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ कि हम लोग अभिषा फैंडम है, राइट, अभिषेक एंड मनीषा इन दोनों के फैंस हैं. प्लीज हम सिर्फ इनको हाइप करें. हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम, पता है हम इतना बड़ा फैंडम है ना, ये इतना सागर की तरह अथाह है, मतलब जिसकी डेप्थ का कोई अता पता नहीं है, ठीक है, इतने लोग हैं इसमें. तो जब हम एक बात किसी और के लिए, और मैं बता रही हूं आपको यहाँ पे एक, जब मैं एक्स वाई जेड अब बोलूंगी तो वो एक्स वाई जेड पर्टिकुलर वाला नहीं है, आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एक्स वाई एंड जेड फैंडम्स, ठीक है. वो क्या कर रहे हैं ना, वो धीरे धीरे, क्योंकि मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, प्लीज आप इसको ढंग से सुनना, वो लोग धीरे धीरे, वो बोलते हैं ना स्नेक की तरह क्रीप कर रहे हैं आपके अंदर, कि आपको बहुत अच्छा दिखा रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, आप ये ना हमारे एडिट्स, मैं क्या बोलूं, तो आप उनके एडिट्स देखते हो, किसी एक्स के एडिट्स देख लेते हो, आप बड़े खुश हो जाते हो, आप उनको हाइप दे देते हो. एक पर्टिकुलर हैशटैग आपने ही उस समय बनाया एट द एंड ऑफ द बीबी, आपने, मतलब हमने, जब हम आप बोल रही हूं मैं, इसका मतलब मैं हम सब के लिए बोल रही हूं. तो क्या होता है ना कि हम लोग, और फिर क्या होता है पता है, हम मजाक करने लग जाते हैं, वो अच्छा देखो ऐसे हो गया तो यू नो गुस्सा आ रहा है. पता है वो मजाक कब गुस्से में किसी और के लिए टर्न हो जाता है, ये हमको पता नहीं चलता. हमने तो मजाक में कर दिया कोई ट्वीट, बट सामने वाला बंदा, यहाँ इतने सेंसिटिव लोग हैं ना, वो तुरंत डर जाते हैं. मैं इतने डरे हुए ट्वीट्स देखती हूँ ना कि ओ शिट अब क्या होगा, मतलब ऐसे हो गया, अब कहीं ये ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये अलग तो, मतलब आप समझो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग सब ना, जितने भी यहाँ पे लोग अभी बैठे हो, देखे हो, कोई भी ट्वीट करते हो, आप सब अभिषा की बात किया करो. कोई भी और आ रहा है, कुछ बोल रहा है, वो बार बार आपको अभिया में अगर अभिषा को टैग कर रहे हैं, एलविशा में अभिषा, क्योंकि अभी मैं बता रही हूँ अभिषेक के खिलाफ एक पर्टिकुलर है जो जो एक नैरेटिव बना रहे हैं मनीषा के फैंस के दिमाग में कि हाउ अभिषेक इज रॉन्ग. प्लीज आप लोग ये सब जितने भी लोग बैठे हो वो समझो, तो आप वो नैरेटिव पढ़ के बहक मत जाओ. आप याद करो आपने क्या देखा है, क्या सुना है. उन दोनों ने बीबी में गेम खेला है, दोनों ने खेला है, बहुत अच्छा खेला है, इसलिए वो इस पोजीशन पे जहां पे भी वो आए हैं, ठीक है. तो आप प्लीज इस बात को समझ के किसी भी फॉल्स नैरेटिव में मत फंसो, उनको कोई जवाब मत दो, डायरेक्टली ब्लॉक कर दो. जो अभी किसी ने, आई थिंक किसने बोला था, रिया ने बोला था, किसी ने बोला था अभी इस बात को, आप लोग डायरेक्ट है ना, हाँ डायरेक्टली ब्लॉक कर दिया करो. कोई भी आपको वो, पता है क्या होगा, एक्स वाई जेड फैंडम है, उसका मानो कुछ लाइक होता है या कुछ एक स्टोरी सीन होता है, उनसे बर्दाश्त नहीं होता, उनको खुद की खुशी नहीं चाहिए, वो देखना चाहते हैं आप कितना जल रहे हो, वो तुरंत आपको टैग कर देते हैं. आप वहां पे बिल्कुल एकदम ऐसे, यार ये क्या हो गया, अभिषेक मनीषा की स्टोरी लाइक नहीं कर रहा, या जो कुछ भी नहीं कर रहा, कमेंट नहीं कर रहा. याद है मनीषा क्या बोलती है, जहां पे ओपनली फ्लर्ट होता है वहां कुछ भी नहीं होता. तो अगर तुम लोग कहीं डर जा रहे हो, यार ये क्या पूछ लिया इसने, ये क्या कर दिया इसने, तो उसका तो मतलब कुछ भी नहीं है इसका मतलब, ठीक है. तो बिल्कुल भी टेंशन मत लिया करो, और जो फॉल्स नैरेटिव है उनसे प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग सब दूर रहा करो, और प्यारी प्यारी बातें लिखो, डरो बिल्कुल भी मत. ये एक रियल बॉन्ड है, MV or no MV, this is going to remain forever. And trust me, you are going to see more real moments. In the sense, when future, when you see in the future, जब आप आगे देखेंगे तो आप बहुत चीजें देखेंगे. मतलब मैं तो देखती हूँ कि travel कर रहे हैं, मतलब लंबा सोचो यार, 2 साल 4 साल 10 साल का सोचो कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं. ये सब क्या है, एमवी वेम्बी आती रहेगी, वो 2 दिन की बात है, 2 दिन की चांदनी है फिर चली जानी है. तो बस मेरे को यही बोलना, सब खुश रहा करो, और प्लीज किसी से जलो मत. अगर तुमको जलाते हैं उनको प्लीज ब्लॉक करो, भाड़ में जाने दो, बस यही बोलना था मुझे. थैंक यू यार विनीता, थैंक यू सो मच. यू नो व्हाट, यू रिमाइंडेड मी यार, ये दोनों पॉइंट मुझे उस बंदी ने डीएम किए थे. पता है मैंने अपना पर्सनल एग्जांपल दिया उसको, मैंने बोला यार तुम मुझे बताओ तुम मेरे ट्वीट्स कितने लाइक और आरटी करते हो, मुझे बताओ. क्या मैं बैठ के वो ट्रैक करती हूँ? नहीं ना, पर तुम जब मुझे डीएम करती हो मैं तुमको बताती हूँ ना, हेल्प करती हूँ ना, कंसोल करती हूँ ना. तो कुछ अब जरूरी नहीं है वो आरटी नहीं कर रहा, लाइक नहीं कर रहा, उसको लोग कंक्लूड करते हैं कि यार ऐसा, जरूरी नहीं यार, कुछ प्राइवेट होता है. पहली बात,
दूसरी बात आपने एक बहुत अच्छी बात बोली जो मैं उसको वहीं पे बोली थी, यहाँ पे किसी ने उठाया नहीं तो आया नहीं, कि अभिषेक का नैरेटिव। यार मुझे एक बात बताओ, मैं ना पॉलिटिकल स्पेसेस में जाती थी, अब मेरा पूरा प्रोफाइल अभिषेक हो गया है बिकॉज आई मीन सो मच लव, लेकिन मेरा पहले आप देखो सब पॉलिटिकल था, ठीक है। वहां पे इतनी बुरी बुरी मतलब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इतने बुरे बुरे वो होते हैं वहां पे एक्चुअल नैरेटिव्स होते हैं, ठीक है, ये लेफ्ट विंग राइट विंग एंड ऑल दैट, ठीक है। वहां पे मैं अकेली शेरनी की तरह सबको ध्वस्त करके आ जाती थी, मेरे कभी किसी का सहारा नहीं लिया, ना किसी फ्रेंड का, ना मेरे थे पॉलिटिकल फ्रेंड्स जो अब इनएक्टिव हो गए हैं बिकॉज मैं दूसरी जगह एक्टिव हो गई हूँ। तो एक ये नेचर का फर्क होता है, एक बंदी जो खुद ट्वीट करके बोल रही है मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, उसको आप सपोर्ट करोगे, या एक खुद दहाड़ रही है उसको आप क्या सपोर्ट कर लोगे? तो मैं यही बोलती हूँ, तो अभिषेक को मनीषा के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनीषा भाड़ में जनता अपना, मैं मस्त हूँ, मैं आग लगे बस्ती में, शी इज नीलिंग इट, तो वाई वुड अभिषेक, मतलब ही नोज शी कैन हैंडल इट। वहां पे भी जब जब मनीषा को मतलब धक्का दिया था, एवरीवन शुड रिमेंबर, रिया जस्ट से दैट लाइन, एवरीवन शुड रिमेंबर व्हेन ही सेड यू आर अ क्वीन, क्वीन फाइट्स दैट बैटल ऑन देयर ओन। मैं रियल लाइफ एग्जांपल बता रही हूँ, मैंने अपने पॉलिटिकल फ्रेंड को, एंड ही होल्ड्स अ पोजीशन, ठीक है, इन पॉलिटिक्स, मैंने बोला भाई तुम मेरा कभी तो मेरी हेल्प नहीं करते, मेरा साथ, बोलते आपको साथ देने की जरूरत नहीं है, आप जब आती हैं लोग भाग जाते हैं, अपना IDDA कर लेते हैं। तब मैंने ये बात का मर्म समझा, कि तब मैंने अपना सच्ची में तब मैंने मर्म समझा कि यार वाकई में जब मैं बोलती हूँ, मैंने बड़े बड़े को ध्वस्त कर दिया, तो व्हाई डू आई नीड समबडी एल्स एंड आई डोंट नीड इट। सो सेम चीज अगर मैं उसके लिए बोलती हूँ, तो अभिषेक के अगेंस्ट चीजें चल रही है ना, आप प्लीज उस पे मत जाइए, बिकॉज हम लोग ने देखा है व्हेन शी नीडेड इट ही गेव दैट सपोर्ट एंड वाइस वर्सा, आज वो जरूरत नहीं है बिकॉज शी इज नीलिंग इट, मैं कह रही हूँ ना, शी इज नीलिंग इट विद अ स्माइल। वो बंदी एक MV डालती सब ध्वस्त, व्हाई व्हाई ही नॉट, बट दूसरी तरफ क्या है वहां पे पैरा पैरा लिखा जा रहा है, तो ऑब्वियसली ही विल डू दैट ना, पर उसका इंटेंशन ऐसा नहीं है जिस तरह से उसके लिए बोला जा रहा है। चलो यार बहुत लेट हो गया, थैंक यू, थैंक यू विनीता फॉर रिमाइंडिंग मी बोथ द पॉइंट्स। मैंने सारे फ्यूचर का भी याद रखो, सुनो सारे फ्यूचर का भी याद रखो, एकदम अपने दिमाग में ना लंबी रोड बना लो, एकदम लंबी रोड, ठीक है, और एकदम आगे देखो कि आगे क्या होने वाला है। ये MV पुंबी मतलब छोटी मोटी चीजों से तुम लोग प्लीज दुखी मत हुआ करो, तुम लोग लंबा सोचो, कुछ अच्छा व्लॉग ट्रैप मतलब बड़ा सोचो यार, अब सोच के अपने मन में खुश रहो, और जिस दिन हम पूरा बनाएंगे प्रोफेशनली, पक्का मूवी प्रोफेशनली, ठीक है, लाइक एसआर के काफी बड़ी बात है ना, 26 मिनट का ब्लॉग में चलो बाय गाइस, बनाया रॉकी नी टू बोलना चाह रही है, काफी बोलना चाह रही है, चाह रहा है नहीं, मैं अभी बोल रही थी कि मतलब हमें 26 मिनट का ब्लॉग मिल रहा है, हम 3-4 मिनट के MV के लिए लड़ रहे हैं इधर, exactly, क्या बात है, देखो बिल्कुल सही बोला, exactly. और पहली बात जिसमें हमें व्यूज और बढ़ा रहे हैं यार, जाके देखो उसको यार, इतना माइंड में नेगेटिव मत लाओ, उसी को उसी ब्लॉग पे देखो। अच्छा सुनो ना, मैं जा रही हूँ, अनाया, I just have to request one thing. उसके बाद I have to go then. मैं ये बोल रही थी कि अगर पॉसिबल है ना, देखो क्योंकि अभिषेक को भी बहुत है, अभिषा नाम, मैं इसको हैशटैग नहीं बोलूंगी उसके लिए, मेरे को ऐसा लगता है अभिषा एक नाम है ना, किसी पर्सन का नाम है जिसको आप बहुत प्यार करते हो, वैसा है अभिषेक, और अभिषेक के लिए बहुत ज्यादा है, मनीषा के लिए भी है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, उनका बोलना है आप इसको और आगे बढ़ाओ, हमेशा उन्होंने बोला है। तो क्या होता है, लास्ट टाइम जब ट्रेंड ये सब की बात हुई थी ना, तब ऐसा था कि MV आने वाला है एक वीक में, तो अभी हम ट्रेंड करेंगे तो बाद में फिर MV के लिए भी करना पड़ेगा और हैशटैग ये सब हो जाएगा, मतलब कुछ तो तुम लोगों ने बोला था स्पैम हो जाएगा, बट अभी वैसा कुछ भी नहीं, ठीक है, अभी मनीषा का MV आएगा उसके लिए कल ट्रेंड हो रहा है, फिर MV आएगा तो 2-3 दिन हमें उसमें ही लगना पड़ेगा, बट आई वुड सजेस्ट बिकॉज इट गिव्स पीपल दैट बूस्ट, यू नो, एकदम ऐसे लगता है कि सीना चौड़ा करके करके सारे खड़े हो जाते हैं, राइट, मेरे को लगता है हाँ सही है, हमें दोबारा करना चाहिए, करना चाहिए। और प्लीज आप लोग वीक में ना एक छोटी एक्टिविटी रखो, 2-3 घंटे की बस, कि भाई इस 2-3 घंटे में तुम लोग बताओ क्या टाइम है, वीक में एक एक्टिविटी रखो, और ऐसे 20-25 दिन में आप एक या महीने में एक ट्रेंड रखो, तो अभी एक अगर आप लोग ट्रेंड रख सकते हो तो आई एम श्योर everyone इज वेटिंग फॉर इट, तो बस यही मुझे एक सजेशन देना था, वो आप लोग बिल्कुल सही सजेशन है, बिल्कुल सही सजेशन है, इस समय तो बहुत जरूरत है, चलो सबसे अच्छा तरीका।
ठीक है चलो, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी स्पीक, बाय गाइस बाय। अभी हमारा मॉर्निंग का मतलब बनता है ना, वो स्पेशल एक्टिविटी के लिए बनता है कि आप दो एक्टिविटी कर लो, लेकिन वो भी लोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और दे हम करते हैं कि ट्रेन करवाओ ट्रेन करो। रॉकी रॉकी सुन रॉकी भाई, मैं कोई बोल रहा था ना, इसको ट्रांसफर ऑफिस में रहते हैं, ठीक है, तो पार्टिसिपेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हां बोल बोल, देख किसने बोला था ना इसको ट्रांसलेट करके बोलने के लिए, मैंने मिस्टी का ट्वीट को ट्रांसलेट कर दिया, बट इतना बड़ा तो मेरे नहीं होगा क्योंकि ब्लू टिक नहीं है मेरे पास, तो मैं ना स्क्रीनशॉट लेके ट्वीट कर रही हूँ। ओके ओके, अब एक चीज बोलना चाहूंगी जो है ना ये वाली, वो शेयर नहीं है जो अभी ने भी बोला, रिया ने भी बोला, अगर याद होगा जो एक उसके बाहर सोने वाला केस हुआ था जिसमें अभिषेक बोल रहा था अगर तेरे को कोई कुछ बोलेगा तो मैं खड़ा हूँ तेरे लिए, बोल रहा था, नहीं बोल रहा तेरे लिए खड़ा हूँ मैं, ठीक है, तो मनीषा ने क्या बोला, तेरे को बोलने की जरूरत नहीं है तो पहले तो मैं बोलूंगी, ठीक है, तो मनीषा के लिए उसे मैक्सिमम टाइम नहीं बोलना पड़ता। मुझे एक बात बोलना है, मनीषा का गाना, मनीषा का गाना आ गया स्पॉटिफाई पे, आ गया क्या? हाँ हाँ सुन लो, आ गया नहीं डाला यार, तूने पोस्ट किया क्या? लिंक में मत जाओ, लिंक में जाओ और सर्च करके जाओ, लिंक में जाने से लुक में आ जाएगा वो। अरे नहीं, स्पॉटिफाई पे जाके सर्च करके देखो, सर्च करो गाना नाम सर्च करो, जितने बार देखोगे उतने बार सर्च करोगे। सोच रहा हूँ, 10 दिन हो गया अभी भी उन लोगों के, मतलब वही सोच रहा हूँ कि कल मिले थे आज मिले थे, ऐसा हो रहा है। और जब भी आज मैसेज छोड़ा बोला संडे तक वेट करो, मैं बोला आज तो क्या मंडे ट्यूसडे, अभी से 4-5 दिन और वेट करना पड़ेगा भाई साहब, कसम से ऐसा पहली बार। सुनो तो भाई, ये सारी बातें सुनती हूँ ना तो मेरे को, यार कोई एक जन समझाओ, यार कोई एक जन समझाओ, ये सारी बातें सुनती हूँ ना तो मेरे को जेन्युइनली बता रही, जेन्युइनली बुरा लगता है मेरे को, आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए यार, आप लोग को समझना। प्यारू प्यारू अभी वो छोड़ दे, प्यारू वो उस चीज से निकले की ये बता के, अरे सुनो ना, अब मैं आपको ना थोड़े पॉइंट्स बताती हूँ, ठीक है, कि बीबी खत्म हुए ना 1 महीने से ऊपर हो गया, ठीक है, वो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, हम लोग वहीं अटके पड़े हैं, ठीक है, उन लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, वो लोग क्या कर रहे होंगे, हमारी लाइफ का क्या। अब मान के चलो उनकी लाइफ में अलग अलग प्रोजेक्ट्स आए, वो लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमें उससे कुछ बेनिफिट होगा, वो लोग हमें आके कुछ देंगे या फिर हमें क्रेडिट देंगे उस चीज का, क्या क्रेडिट क्या देंगे, हैशटैग अभिषा वाले, ठीक है, उसमें हम लोग कहाँ आते हैं ये बताओ मुझे, कहीं भी नहीं, मतलब कहीं भी नहीं, इन द सेंस कि हम लोग एक फैमिली है, ठीक है, सपोर्ट करना बनता है, दिन में 5 मिनट आके ट्विटर चेक कर लिया, अपडेट्स चेक कर ली, इंस्टा स्टोरी चेक कर ली, इतना बहुत है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अब उसके लिए आप अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को इतना ख़राब करोगे, अपने करियर को ख़राब करोगे, उससे उन लोगों को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी लाइफ वैसे ही चलती रहेगी, फ़र्क किसको पड़ेगा, आपको पड़ेगा, आपकी फैमिली को पड़ेगा, अगर आपके मम्मी पापा, आपकी मतलब वाइफ है या बच्चे, मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है, लेकिन आपके करियर को इतना फर्क पड़ेगा ना कि आपने जितनी मेहनत अब तक की है ना सारी वेस्ट चली जाएगी, सब कुछ वेस्ट चला जाएगा, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि आपकी अभी तक की करी हुई मेहनत वेस्ट ना जाए तो आप इसको ना ट्विटर को अभी के अभी अनइंस्टॉल कर दो, और जितना हो सके ना उतना कंट्रोल करो जितना हो सके, और अगर आपसे ये नहीं हो रहा ना कि ट्विटर इतनी जल्दी मैं अनइंस्टॉल नहीं कर सकता, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो एक काम करो कि ये जो होते हैं ना ट्वीट्स वगैरह कि अभिषा से रिलेटेड होते हैं सिर्फ, तो कुछ और सर्च करने की कोशिश करो, ठीक है, जैसे कि हो गया क्रिकेट वगैरह से रिलेटेड हो गया। हाँ बोलो, बार बार हाथ वही हैशटैग अभिषा पे चला जाता, जल्दी जाके लेटेस्ट में चेक करो क्या क्या हुआ है, मैं कभी ट्वीट व्यूट नहीं करता हूँ, मैं बस देखता रहता हूँ लाइक ये वो, पता नहीं क्या?
अरे सुनो ना, सुनो एक मिनट, मैं उनकी सिचुएशन से रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि मेरा भी पहले यही सीन था। अभी मैं थोड़ा थोड़ा मूव, तो इस चीज को ना टाइम लगता है कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद आप खुद ही हट जाते हो। जी, जी इस वाली बात से मैं भी अग्री करती हूँ। हाँ, आपको हम लोग नहीं बोल सकते कि आप ना तुरंत ही बंद कर दो, तुरंत ही छोड़ दो। हाँ, वो होगा भी नहीं, ठीक है, वो क्योंकि आपके दिमाग में वो सारी चीजें होती रहेगी, क्योंकि हमने ये वाली एक हैबिट बना ली थी 2 महीने के लिए, ठीक है। तो इस वाली बात से मैं अग्री कर सकती हूँ। अभी देखो वो लोग भी अपने लाइफ में फोकस कर रहे हैं, वो लोग भी अपना करियर बना रहे हैं, उन्होंने भी हम लोगों को बोला है कि आप अपने करियर पे फोकस करें, आप हमें सपोर्ट करते हैं, वी लव दैट, हमें पसंद है, बट आप अपने करियर पे भी फोकस करें, ठीक है। वो अपने करियर पे तरक्की करेंगे, आप अपने मम्मी पापा के लिए, आपको भी तो, आपने भी तो कुछ सोचा होगा ना, अपना ड्रीम आपका भी कुछ होगा कि आपको भी अपने करियर में ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, तो आप उस चीज़ पे फोकस करो। और ये वाली बात है ना कि देखो मैं एकदम से तो नहीं बोलूँगी कि एकदम से छोड़ दो, बट टाइम लो, पर धीरे धीरे, मतलब आप ना कुछ और चीज़ों पे कंसंट्रेट करो, कुछ जैसे कुछ ऐसे सीरीज देखना चालू करो, या अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो किताबें पढ़ो, ठीक है। अपने जो आपके दोस्त वगैरह से, जिन लोगों से आपने टच छोड़ दिया बिकॉज ऑफ दिस ये लाइव देखने की वजह से, उन सारी चीज़ों उन लोगों को वापस कनेक्ट करो। कोई नहीं है, कोई बोल रहा है कि तुम ये क्या कर रहे हो, हम सबसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। बोल, अरे तो अपना माइक म्यूट करो, वाओ अपना माइक म्यूट करो, अगर आप बोल रहे हो ना, बहुत नॉइस आ रहा है पीछे से। जी एबीजी बोल रहा था मेरे दोस्त लोग भी मेरे को यही बोल रहे हैं कि तेरे को हो क्या गया है, तू ऐसा पहले था नहीं। मैं उनको भी क्या बोलूं कि मुझे ये आदत लगी है। मैं बोला वो लोग हंसेंगे क्या मेरे पे कि तू कौन सी आदत लगा के बैठा है। अब घर वाले भी बोलते हैं, तो घर वालों को बोलता हूँ मेरे को काम रहता है, मेरे को कोई टाइम नहीं रहता है, इसीलिए मैं बात नहीं कर पाता। लेकिन जब भी कुछ भी मैं किधर भी जाता हूँ ना, मेरे काम पे भी, तो थोड़ा सा भी टाइम मिलता है जल्दी जेब में से फोन निकाल के अपडेट चेक करता हूँ। ये वो लोग आते हैं चलते जेब में फोन डालना, ये वो, मैं कसम से पक गया हूँ यार, ऐसा मेरी बात। रुक जाओ, देखो मेरी बात, देखो आप रुक जाओ। आप ना अपनी प्रायोरिटी लिस्ट एक बारी जांचो। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले आपका परिवार, आप खुद, आपकी सेहत और आपका करियर होना चाहिए, ठीक है। आपको जो, जिनको आप आइडियलाइज करते हो, मनीषा वो तो खुद बोलती है कि समय पे करो, अपनी पढ़ाई लिखाई करो, तो अगर आप आइडियलाइज भी कर रहे हो तो एटलीस्ट उनकी वो बात को तो पकड़ो। और मैं देखो आपको ना ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, जिंदगी भर आपको किसी का फैन बन के नहीं रहना बाबा, आपको आप खुद का अस्तित्व है, भगवान ने आपको दुनिया में भेजा अपना काम करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए। और मैंने देखा है कई बार ना कि फैंस को ना ऐसे हो जाते हैं कि क्योंकि फैंडम की तरफ से आने लगते हैं कि अरे तुम अच्छे फैन नहीं हो, तुम सच्चे फैन नहीं हो, तो आप कितने अच्छे फैन हो, कितने सच्चे फैन, आपको प्रूफ करने की किसी को जरूरत नहीं है। आपके माँ बाप की तरफ आपकी जो लायबिलिटी है, आपकी खुद की जिंदगी की तरफ जो आपकी लायबिलिटी है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डिजर्व करते हो एक अच्छी जिंदगी जीना, एक कंफर्टेबल जिंदगी जीना, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो तब भी होगा जब आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करोगे। और मैं कभी आपको नहीं बोलूंगी कि आप एक दिन में ट्विटर अनइंस्टॉल कर लो, क्योंकि मेरे से भी नहीं होगा, तो आपसे मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगी। लेकिन आप कम करो, एक हॉबी पकड़ लो कोई, जिससे आपका फायदा रहो, वर्कआउट करना, मेडिटेट करना, अपने काम पे फोकस करना, अपने घर पे वापस बातें करना चालू कर दो, लेकिन धीरे धीरे कम करना, एक्टिवली इसकी तरफ स्टेप लेना चालू कर दो। और प्रॉमिस करती हूँ एक हफ्ते के अंदर आपके अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाएगा, और आपको जो अभी गिल्ट फील हो रहा है, जो आपकी आवाज में हम लोग गिल्ट समझ में आ रही है, वो आपको नहीं होगा, ठीक है। तो आप टेंशन भी मत लो इस चीज का ज्यादा। अरे वही बात है ना, उनको एडिक्शन हो गया, फोमो हो गया है कि मैं जल्दी जल्दी जाके चेक करूंगा कि कुछ मुझसे मिस तो नहीं exactly, हो रहा, वही होता है। हाँ देखो वो ये आप मैं आपको बता दूं, आपको अगर ऐसा फील हो रहा हो कि सिर्फ आप हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे साथ भी सेम चीज है, यहां सब हमें भी ऐसे ही लगता है। देखो मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं नहीं आऊंगी कल से, मैं बंद कर रही हूँ, पर मेरे साथ बंद नहीं करा जा रहा, ठीक है। तो मैं आ जाती हूँ बार बार बीच बीच में, पर हाँ मैं अब कम करूंगी ये वाली। अरे सुनो ना, सुनो देखो पर... अभी जैसे उनका कंटेंट आ रहा है, उनकी म्यूजिक वीडियोस आ रही हैं, या उनके व्लॉग्स कुछ आ रहे हैं, या वीडियोस आनी है, तो वेट में भी हैं हम। पर आगे एक टाइम आएगा कि हमें कुछ कंटेंट नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे इंसान इस चीज से दूर हटता जाता है। आपको टाइम लगेगा, फिर आप हट जाओगे। आप खुद करना चाहो तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि फिर आप ट्विटर डिलीट करोगे, या फिर कितना भी आप अपने आप को रोकोगे, फिर आ जाओगे आप उसी चीज में, फिर वही करोगे।
रहोगे। हाँ ऐसा हो सकता है, नहीं 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 भाव ऐसा नहीं होता, वैसा ऐसा नहीं होता, हम डेडिकेट करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम अपनी हैबिट चेंज नहीं कर सकते, हैबिट चेंज। अरे हाँ आराम आराम से होती है, मैं कह रही हूँ ना कि आपका टाइम मतलब कि स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा अगर कि ट्विटर पे आना का टाइम कम हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम मिलेगा ना, 17 आ रही है ना देखना उसमें घुस जाएगा थोड़ी वही बात है, उनको कोई डिस्ट्रेक्शन नहीं है। अरे वाओ एक मिनट रुक जा बहन, एक मिनट रुक जा, मैं ये कह रही हूँ एबीजी आप मुझे ये बताइए, ये 2 महीने पहले आपको क्या क्या करना पसंद था, मतलब आप क्या क्या करते थे? मैं पहले मतलब सीरीज देखता था ऐसे, या फिर इंस्टा पे ऐसे ही रील देख के 11:30-12 बजे तक सो जाता था, लेकिन जब से बिग बॉस देखा उसके बाद, ये जब से एल्विस आया ना उसके बाद मैं लाइव फीड देखता था, और बाद में 3:30-4 ऐसे बज के, और फिर मैं उठता था 9:30 को उठ के डायरेक्ट ये अपना लगा लेता था लाइव फीड, सुबह सुबह उनको देखना, फिर 10 बजे काम पे जाता था। तो मेरा काम ऐसा है कि मैं काम पे जाता हूँ तो मैं उधर ही रूम पे ही, मेरा मतलब गोडाउन है चॉकलेट का शॉप है हमारा, तो उधर उधर ही मेरे को रहना पड़ता है, उधर से माल हम भिजवाते पैकिंग करते, तो मैं उधर ही बैठा रहता हूँ, उधर ही वाईफाई है सब सुविधा है, तो उस हिसाब से फोन पे ही मेरा काम रहता है, तो पूरा दिन इस पे चिपके रहो, कोई आता है तो जल्दी जेब में फोन डाल दो, थोड़ी देर के लिए आएगा फिर अपने आप लाइफ फिट चालू कर दो, बस यही चलता रहता है। और अभी भी और किसी को रियलाइज भी नहीं है कि मैं मतलब इतना एडिक्ट हो चुका हूँ इस चीज का, मैं किसी को बता भी नहीं रहा हूँ, कैसे बताऊं, और हर कोई यही बोलता है कि तू ऐसा क्यों हो गया है, पहले तो ऐसा नहीं था, तुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे किसी लोगों की मतलब जरूरत नहीं है, आगे चल के तुमको जरूरत पड़ी। अरे मैं बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे दोस्त लोग हर कोई मेरे को बोलता है तू पहले ऐसा नहीं था, मैं तो एक दो जन को मैं अनफॉलो कर दिया, उनकी जो पोस्ट आती थी ना बार बार तो मेरे को चिढ़ मचती थी, इन लोगों की क्यों पोस्ट आ रही है, इनको हटाओ, उनको अनफॉलो कर दिया, वो लोग बात भी नहीं करे, बोले इतनी अच्छी दोस्ती थी और तू हमको ऐसा कर रहा है। मैं बोला क्या करूं, मेरे को चिढ़ मचती है, सिर्फ अपना यही कंटेंट वाला यही चाहिए, बस यही देखता रहा हूँ, इनकी रील्स देखो ये वो, और अगर इनके बारे में जैसे आज वो आपने वो थंबनेल में लगाया है ना, इसने ऐसा बोल दिया तो बहुत बुरा लगा, रिग्रेट हो रहा है क्यों इनको सपोर्ट किया, अभी ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे बारे में ऐसा ट्वीट मत करो, ऐसा मत बनाओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये लोग मतलब ऐसा एडिटिंग क्या जो भी है मतलब, देखो मैं आपको बताता, देखो सुनो तो एक मिनट मेरे को बोल जान दो, देखो ऐसे इसमें ना ये रोने वोने वाली कोई बात नहीं, मैं आपको सही बात बताऊं, देखो आप इमोशनल आदमी हो मैं समझ गया आपकी बात, मगर देखो ये सारी चीजों में यदि आप रोगे ना तो आगे भविष्य में आपके जीवन में ऐसी इतनी कठिनाई है कि आप उसको कैसे मींस ओवरकम करोगे ना। देखो ये तो सारी चीजें एडिक्शन वाली बात है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ समय इसमें मींस एडिक्शन में यदि वेस्ट हो रहा है तो आप उसको आपको खुद ही को उसको कम करना पड़ेगा। आप कैसे कर सकते हो, धीरे धीरे आप इन सारी चीजों से आप निकलते जाओ, इसमें ऐसे मींस मेरे हिसाब से ऐसे कोई इमोशनल होने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो आपको अभिषा जो है वो परमानेंट बॉन्ड है, वो बॉन्डिंग आपको जिंदगी भर देखने मिलेगी, ये मैं आपको दावा करता हूँ। अनिरुद्ध सुन तो, अभी ना अभिषा की बात ही नहीं है, पहले तो इनको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो लाइफ की वैल्यू है ना वो सबसे ज्यादा आपको खुद की होनी चाहिए। अभिषा मिलेगा अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ एबीजी, मैं एक मिनट, हाँ एक मिनट, मैं बस खाली ये बोलना चाहूंगी, देखो इमोशनली कनेक्ट होना गुड ठीक है, पर आप बहुत ज्यादा मतलब इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं होना है ठीक है, आपको अपना लाइफ में भी फोकस करना है। देखो आपने मुझे बोला था कि आप ना पहले सीरीज देखते थे और वो आगे की चीजें देखते थे ना, तो मैं बस खाली आपको ये बोलूंगी कि जब जब आपको ऐसा लग रहा हो कि कंटेंट कुछ देखना है तो उस समय आप अभिषा के बारे वाली चीज देखने की बजाय कुछ और चीज देखो सीरीज, जब जब आपको लगे ना कि अभी अभिषा की मिसिंग हो रही है तुरंत ही कुछ और चीज देखो ताकि आपका फोकस चेंज हो, और प्लीज धीरे धीरे ना दोस्तों से बातें करो, और हाँ अगर आपको लगता है कि दोस्त लोग मुझे जज करेंगे तो देखो ट्विटर पे ना बहुत सारे हम लोग जो है हम लोग उनसे भी आप बात कर सकते हो ठीक है। और आप मैं कहना चाहती हूँ,
दो मिनट रुको एक्नो, मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज जो भी नीचे बैठे हैं, जैसे अगर आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे आप लोग माइक पे आके, जैसे भाई ने तो जाहिर कर दिया लेकिन आप लोग नहीं कर पा रहे हो, तो हम लोग ये समझा रहे हैं या आप लोग भी समझ लो, आप लोग मालूम है माइक पे नहीं आ पाते हो, बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है, तो ये जो भी समझा रहे हैं आप सबके लिए है, सिर्फ इस भाई के लिए नहीं है, तो आप सब समझो इस चीज को, बस बोल दे। हाँ मैं ये बोलना चाह रही हूँ एडी जी, देखिए ये जो एडिक्शन है ना, देखो ये आपके साथ ही नहीं, हम सबके साथ ये सब चीजें हैं, लेकिन हम लोग को इन सब चीजों के ऊपर भी हमें एक चीज सोचना चाहिए कि हमारी फैमिली भी है, हमें फैमिली टाइम भी उनके साथ अच्छे से बितानी, क्योंकि देखो हाँ मुझे पता है जब खाली टाइम मिलता है तो हम लोग ये चीजें करते हैं, लेकिन हमारे फैमिली फ्रेंड्स भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उन लोगों के बिना हमारी जिंदगी नहीं चलने वाली है, ये एकदम है, ये पक्की बात है, तो उनके लिए भी हमें अपने आप से टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि यार देखो जिंदगी का कुछ वो नहीं रहता है, तो फिर इस वजह से मैं कहना चाहती हूँ कि उन लोग के लिए समय भी निकालो, जिससे उससे भी डिस्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि उनके पास भी नई नई बातें होती हैं, तो उनकी बातों में भी हम लोग कुछ और चीजें सोच सकते हैं, इस वजह से फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम दो, मैं बस ये कहूंगी। देखो मेरे पर्सनल हिसाब से मैं बोलना चाहूंगी, देखो मेरे को जैसे लाइफ में से अलग अलग टाइप के लोगों को स्ट्रेस होते हैं, जैसे मुझे वर्क स्ट्रेस या पर्सनल स्ट्रेस ऐसा कुछ होता है, तो मैं अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अभिषा को मैंने देखना चालू किया था, ठीक है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उन लोगों से स्ट्रेस होने लगे, ठीक है, जिस दिन मुझे उन लोगों से स्ट्रेस होने लगेगा, उन चीज़ों से मैं परेशान होने लगूंगी, मैं अपने माइंड को कहीं और डाइवर्ट करूंगी। मैंने उनसे ज्वाइन इसलिए ही किया था क्योंकि मुझे अपने स्ट्रेस कम करने थे, ठीक है, और हम लोग जो ये स्पेस बना के बैठते हैं ना, ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि स्ट्रेस बस्टर हो, और हम लोग इसलिए ज़्यादातर अभिषा अभी फिलहाल डिस्कस भी नहीं कर रहे क्योंकि कोई कंटेंट नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए ये भी एक तरीके का स्ट्रेस बस्टर ही है हमारा। और मैं आपको सच में बताऊंगी, जिस चीज़ से आपको स्ट्रेस होने लगे ना, जिस चीज़ से आप परेशान होने लगो ना, उस चीज़ को हमें कम कर देना चाहिए, ठीक है। मैंने अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए अभिषा देखना चालू किया था, पर अगर मुझे उनसे स्ट्रेस होने लगेगा तो मैं वो छोड़ ही दूंगी। तो मैं बस खाली आपसे यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी ये सारी चीजें बंद करो और उस चीज पे फोकस करो जिससे आपका स्ट्रेस दूर हो, ठीक और, है। और पता है आप इस चीज को एक स्ट्रेस का पॉइंट ऐसे भी दे दोगे, क्योंकि ना मैं बता रही हूँ, अगर एडिक्शन आपको ये चीज एकदम लगातार रहेगा ना, और आप अगर इस एडिक्शन के कारण अपने दोस्तों को समय नहीं दे पा रहे हो ना, तो फिर ये सबसे बड़ी भूल हो जाएगी, हमारे तरफ से ही ये चीजें हो जाएंगी। और है ना, आज गणेश चतुर्थी, आप बढ़िया मौज करो, बाहर निकलो, आप घर से बाहर निकलो, इतने बढ़िया फेस्टिवल चल रहे हैं, मिलते हैं यार दोस्तों से, मिलो मुंबई में तो फेस्टिवल एंजॉय करो, बढ़िया मुंबई में पंडाल वगैरह लगे होंगे ना, आप जाके देखो, एंजॉय करो, पूजा में जाओ। जी बोलिए, मैं दो मिनट बोलूंगी यार, मन करवाना पड़ेगा। देखो मन तो ऐसे मेरा बचपन में पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था, मगर मैं ग्रेजुएट हो गया फाइनली कैसे तैसे। जी ऐसी सही बात है, कभी भी जिंदगी में मैंने नहीं सोचा था कि भाई मैं ना क्या कहते हैं ऐसे फालतू में बैठ के ऐसे मतलब ऐसे शोज वगैरह देख रही हूं, ऐसे यहां पर स्पेसेस बना के बोलो। अरे मुझे दो मिनट बोलने दो यार, उसे शैलजा को कंप्लीट करने दो, उसके बाद बोलना। हां बोलो बोलो एक्स नो बोलो बोलो नहीं मुझे नहीं बोलो मैं दो मिनट बोलूंगी, तुम्हें मेरी बात समझना है या गलत लगे तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट मैं पहले बोलूं कि यार मैं ना पहली बार फैन बनी हूँ और मैं एबी से रिलेट कर सकती हूँ। पता है होता क्या है, क्योंकि आपने रियल लोगों के रियल इमोशंस देखे है ना, तो सीरीज वीरीज में इंटरेस्ट नहीं आता, इंटरेस्टिंग नहीं लगता, वो ऐसा लगता है कि हाँ हमने रियल बंदों को देखा। यार अभिषेक तो ऐसा फील कर रहा था, मनीषा तो ऐसा फील कर रही थी, फिर ये फेक कंटेंट में मजा ना बंद हो जाता है। तो मैं एबी जी आपसे ये कहूंगी कि आप रियलिटी शोज पिक करिए, मैंने भी अपना मन ऐसे ही हटाया है, आप यूट्यूब पे व्लॉग्स देखिए, आप ऐसे आप थोड़ा रियल कंटेंट देखने की कोशिश करिए, और आप ये मत सोचिए कि आपको जो लग रहा है अभिषेक वो सोच रहा होगा, ये दो अलग लोग हैं यार, हर लोग का बिहेवियर अलग होता है। आप ये मत सोचो कि मुझे ऐसा लगा तो अभिषेक को भी वैसा लगा या मनीषा को भी वैसा लगा,
उन्होंने क्या फील किया क्या नहीं किया, उन्होंने गेम की तरह लिया, गेम के बाद बाहर आके क्या लाइफ है उनकी, हम कंट्रोल नहीं कर सकते. कल को वो नहीं अलग अलग लोगों के साथ रहेंगे तो हम क्या डिप्रेस हो जाएंगे. जो भी होगा उनकी लाइफ में वो उनकी लाइफ है. तो आप इस बात को समझिए कि हमें जो लगा जरूरी नहीं है उन दोनों को वो लगा. हम जो भी हम हैं यहाँ पे हम उनके लिए रूट कर रहे हैं, हम उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. लेकिन आप हर चीज की ओपन, हर चीज की पॉसिबिलिटी को ओपन रखिए. और बिल्कुल मैंने भी अपने और आप तो कुछ चॉकलेट इसमें काम करते हो. मैंने भी आपको स्पेस में बार बार बोला है कि क्या कहते हैं कि उनकी शायद फ्यूचर में कोई और भी पार्टनर हो सकते हैं, वो अलग भी हो सकते हैं. शायद वो लोग सिर्फ अपने एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड ही कंसीडर करते हों. और अपनी फेवरेट फिल्म्स आप दोबारा से देखनी शुरू करिए, आपको उस कंटेंट में मजा आने लगेगा. और मैं यही कह रही हूँ कि जैसे इन्होंने बोला ना कि रियलिटी वाले कंटेंट देखने में क्योंकि हम कंपेयर करते हैं. देखो मैं ना अपना पर्सनल बात ही बता सकती हूँ, मैं किसी और के बारे में तो मुझे पता नहीं. देखो मेरा पर्सनल हिसाब से देखो मेरे को भी बहुत एडिक्शन है हर पल का. जैसा आप बोल रहे हो कि मेरे को भी चेक करना होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर ये चीज़ें मैंने बहुत कम कर दी हैं, सच बता रही हूँ, 3-4 दिनों से. और वो कैसे हुआ, क्योंकि मैंने अपने बैक टू ट्रैक चली गई. जो जो मैं चीज़ें पहले करती थी वो वाली चीज़ें मैंने करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, अभी ये है कि अभी ना मुझे दो तीन जो भी मैं देख रही थी उसमें मेरे को हमेशा अभिषा का ही कंटेंट, अभिषा का ही याद आ रहा था कि कंपैरिजन मेरा चालू हो जा रहा था कि मतलब देखो ये तो वही है, इनकी कहानी भी मैच कर रही है ऐसे करके. एग्जैक्टली मैंने जब भी मैं मूवी देखी मुझे वो वैसे लगने लगे, तो मैंने क्या वहां भटका कोई. हाँ, तो जैसे वो भटका, तो फिर उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट सीरियल चालू किया तो मेरे दिमाग से अभिषा का कंटेंट कम हो गया, सच्ची बोल रही हूँ. और मैंने फिर उसी हीरो हीरोइनों पर फोकस किया जो मैं जिनको देख रही थी. धीरे धीरे आप ये सारी चीजें मतलब आपका फोकस बढ़ेगा. पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम प्यार करने लग रहे हो उन्हें या आप कम पसंद कर रहे हो. इट इज जस्ट कि आप मूव ऑन कर रहे हो एंड आप किसी और चीजों पे फोकस कर रहे हो. कभी भी वो चीजें हमें अपने दिमाग में या वो चीजों को हमेशा पकड़ के नहीं बैठना चाहिए जिनसे हमें स्ट्रेस हो या हमें परेशानी हो. ठीक है, और अगर आपको ये लगता है ना कि मैं किससे शेयर करूँ किससे ना शेयर करूँ, मेरे दोस्त तो मेरे को जज नहीं करेंगे, मेरी फैमिली तो मेरे को जज नहीं करेंगी, मैं आपको बताती हूँ जो आपकी फैमिली होती है वो हमें कभी भी जज नहीं करती है, हमें हर हालत में वो प्यार करती है. ठीक है, आप उनसे बात तो करिए, आप उनसे बोलिए तो सही कि मेरे को एडिक्शन हो गया, गलती से बोल लो या चाहे जो भी बोलो. अरे नहीं नहीं सुनो तो मैं देखो एक बात बोलती हूँ. अरे मैं ये बोल रहा था कि कहीं ना कहीं उन लोग भी आपको कंटेंट ना देखे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली यही चीज पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि ये एक शो था, आप इसको आप अपने एंटरटेनमेंट पर्पस से देख रहे थे. वो मैं मानता हूँ कि रियलिटी शो था, जैसा जिनकी जी ने बोला कि हमारे इमोशनल रियल इमोशंस कनेक्ट है, तो वो तो हम मीन्स उनको फॉलो अप कर ही रहे. उन लोग कुछ भी अच्छा देंगे तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, मगर वो एक घंटे की यदि मूवी बनाते हैं तो वो देखो, 15 मिनट का सॉन्ग बनाते हैं तो उसको देखो, बस हो गया. हाँ, चिल करो यार. आप कंटेंट की उम्मीद ना उन दोनों से ही करो, कहीं और से मत करो. जो वो और बात मैं बोलना चाहती हूँ इसमें, जो जैसे आपको ये हो रहा है ना कि मेरे को तो एडिक्शन हो गया ये वो, आपको इस चीज को लेकर जो गिल्ट है ना, जो शर्म है, उसमें आपको गिल्ट में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है. आप एक नॉर्मल ह्यूमन हो, नॉर्मल ह्यूमन के साथ ऐसी चीजें होती रहती है. और अगर आप नहीं कंफर्टेबल हो किसी अपने फ्रेंड से शेयर करने में, यार मैं सच्ची बता रही हूँ एबी जी, मैं सच्ची बता रही हूँ, आप ना अकेले नहीं हो. ठीक है, मुझे भी गिल्ट होता है, मैं भी अपने दोस्तों को नहीं बता पाती ये वाली चीजें कि भाई बिग बॉस का एडिक्शन हो गया है, क्योंकि मेरे दोस्त क्या करेंगे. ठीक है, मेरे भाई तो मुझे चिढ़ाती है, मैं बिग बॉस देखती हूँ, इसलिए तो मैंने यहाँ पे भाईचारा बनाया, अभिषेक भाई को बनाया मैंने अपना दोस्त. आप नहीं होते, सबके सबके सही बोल रहा है, लेकिन मेरे साथ नहीं होता है. सबके फ्रेंड्स ऐसे ही हैं. ठीक है, अभिषेक भाई भाईचारा ऑन टॉप. अरे चुप हो जाओ, ट्विटर पे ही लोग क्या कहते हैं, ट्रोल करने लग जाते हैं कि कैसे निब्बे निब्बे. अनिरुद्ध वो तो है, लेकिन मैं इतना अटैच नहीं हूँ इन सब चीजों. मैं बोल रही हूँ एबी भाई, आप हमारे साथ आ जाना रात में प्राइवेट स्पेस में. थोड़ा सा टाइम लगेगा, सही हो जाएगा. और आप बिग बॉस फैन हो ना, अभी जी एबी जी, तो थोड़ी देर बाद कुछ 15 दिन आप तब वो देखने लग जाओगे. मैं ये क्या कह रही हूँ, देखो मैं तो बोलूंगी
कि अगर आप इतना ज्यादा किसी से मतलब इतना ज्यादा कनेक्ट हो रहे हो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज आगे जाके बिग बॉस सिर्फ न्यूट्रल ओपिनियन से देखें, 24 आवर्स ना देखें, छोड़ दें, 6-7 महीने छोड़ दें, 10 महीने 1 साल पूरा छोड़ दें, ठीक है। सिर्फ फोकस करें कि आपको अपनी मतलब आपको क्या काम करना है, और आप कौन सी टाइप की चॉकलेट्स बनाते हो, फेरेरो रोचर या कुछ मतलब इंटरेस्टिंग चॉकलेट बनाते हो तो जरा भेजवा देना यार। इतना देखना, इतना ज्यादा मैंने अच्छी अच्छी बातें कर रही है तो थोड़ी चॉकलेट भिजवा देना प्लीज। आपको तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन वहाँ होना चाहिए, मैं वहाँ होता तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मेरा काम ही होता। यार एबीजी आपका तो, यार एबीजी आपका तो बहुत सही है यार, आप चॉकलेट फैक्ट्री में काम करो। वही यार, अरे यार सुनो, मैं बोल रही हूँ कि इनके लिए कितना आसान होगा किसी भी लड़की को आराम से ना। सुनो तो यार, यार प्यार को